आखिरी के 5 मिनट ही बचे थे। ईशान अक्षय सिंह के पास आता है और धीरे से पूछता है, जो दो बातें मैंने तुम्हें बताई थी उन्हें फिर से कहो। ईशान की बात सुनकर अक्षय सिंह थोड़ा घबरा जाता है और वो धीरे धीरे डरते हुए कहता है, सबसे पहले तो ये कि सभी स्टूडेंट्स को निकल जाने दिया जाए, और दूसरा ये कि यदि तुम बच नहीं सकते तो कोई दूसरा तरीका निकालो ताकि गैंगस्टर के हाथ में आने से बच सको। ईशान ने सीरियस आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि किसी ने पिछले 2 दिनों में अपने मोबाइल से किसी को कोई मैसेज भेजा हो या वो अपना मोबाइल लेकर टॉयलेट में गया हो? दरअसल ईशान अक्षय को एजेंट बनाना चाहता था, पर उसके पहले वो सब जानकारी ले लेना चाहता था। अक्षय ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, वो सब लोग टॉयलेट के लिए गए थे, अगर उन्होंने मोबाइल फोन देखा होता तो वो जरूर सब जान चुके होते। पर भाई बात ये भी है कि मैं उस समय खेलने में बिजी था तो उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। ईशान, जो अक्षय को अपने साथ एक एजेंट के रूप में देख रहा था, उसकी बातों से थोड़ा घबरा गया कि अक्षय उस लायक है भी या नहीं। ईशान ने उसे बड़ी बेरुखी से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, वो गैंगस्टर तुम्हारे राज जानना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने जो गलतियां की है वो माफी के लायक नहीं है। इस खतरनाक दुनिया को समझने में तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अगली बार इसे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं तुम तब तक अपने आप को बचा कर रख सकोगे। उल्टी गिनती 1-0। ईशान के साथ साथ अक्षय की भी अपनी दुनिया में वापसी हो गई। अक्षय सिंह वापस लौट गया। अंधेरे में ढोल बजने और हंसने की आवाजें आ रही थी। एक सेकंड में जेल की अंधेरी कोठरी की जगह जलते हुए अलाव की रंग बिरंगी रोशनी ने ले ली थी। लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। अक्षय अपने आप को सबसे अलग महसूस कर रहा था। उसे तभी याद आया कि ईशान ने कहा था कि सबकी जान खतरे में है। ये सोचते ही अक्षय सिंह एकदम से चिल्लाया और हड़बड़ाते हुए बोला, भागो भागो, सबकी जान खतरे में है, वो लोग खतरनाक है। अक्षय चिल्ला रहा था, सब चुपचाप उसे देखने लगे। सब स्टूडेंट सोच में पड़ गए। तभी पहले स्टूडेंट ने कहा, ये अक्षय सिंह को हो क्या गया है, अभी तो ठीक था। उसके पास बैठे दूसरे स्टूडेंट ने भी हैरान होते हुए कहा, हाँ यार, अभी तो बड़ी बहादुरी की बात कर रहा था, अभी अचानक ये डरपोक की तरह क्यों करने लगा। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। कोई भी अक्षय की बात नहीं समझ पा रहा था। केवल मोहित ही उसकी बात को समझ पा रहा था, क्योंकि वो भी एक टाइम ट्रैवलर है। वो समझ गया था कि अक्षय जो भी बोल रहा है उसके पीछे जरूर कुछ गहरी बात है। मोहित खड़ा हुआ और उसने अक्षय से पूछा, अक्षय भाई, आप थोड़ा साफ साफ बताएंगे आखिर हुआ क्या है। अक्षय ने मोहित की बात सुनी, फिर अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखा और घबराते हुए बोला, यदि आप लोग अभी यहां से नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। गैंगस्टर इस जगह को घेरना चाहते हैं। एक काम करो, तुम लोग रहने दो, मैं ही यहां से भाग जाता हूं। अभी भी सब अक्षय का मुंह ताक रहे थे और हंस रहे थे। ये बोल के अक्षय वहां से भाग जाता है। अक्षय के इतना साफ कहने के बावजूद भी सब लोग वहीं खड़े थे, पर मोहित ने जैद को इशारा किया और वो दोनों अक्षय के पीछे पीछे चले गए। लेकिन जब अक्षय सिंह उस जगह से बाहर निकलने ही वाला था तो दरवाजे पर उसे पुलिस की ड्रेस में 2 मिडिल एज उम्र के लोग मिले। पुलिस को देख के अक्षय बहुत खुश हो गया था। पुलिस ने घबराते अक्षय को देखकर पूछा, हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग इतना घबरा कर कहां जा रहे हो। अक्षय पुलिस को देखकर खुश हो गया और बोला, पुलिस अंकल, हमारे चारों तरफ गैंगस्टर है, उन्होंने हमें घेर लिया है। पुलिस की वर्दी पहने उन 2 लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसते हुए अपनी अपनी पिस्तौल निकालकर मोहित और अक्षय की छाती पर लगा दी। पिस्तौल की ठंडी नली उनकी छाती से चिपकी हुई थी, उसमें साइलेंसर लगा था, और उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, अगर कोई गैंगस्टर है तो वो हमें क्यों नहीं दिखे। दूसरे पुलिस वाले ने उन्हें थोड़ा डराते हुए कहा, अगर तुमने अब मदद मांगने की कोशिश भी की ना
तो तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। चुपचाप वापस लौट जाओ वरना गोली मार दूंगा। वापस जाओ। अक्षय सिंह ये सब देखकर परेशान हो गया था। ईशान ने उसे ये जरूर बताया था कि गैंगस्टर है, पर ये नहीं बताया था कि गैंगस्टर पुलिस का भेष बनाकर घूम रहे होंगे। मोहित जैद और अक्षय चुपचाप खड़े थे, बंदूक उनके सीने पर लगी थी। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए अक्षय से दबी आवाज में कहा, देखो जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही करो। तभी वो लोग हवा में गोलियां चला देते हैं और उन्हें वापस पीछे की ओर धकेल देते हैं। उसी समय 5 लोगों ने अपनी बंदूक के दम से होटल हेवन इन से वेटर, बॉस और 2 TIB के 2 लोगों को पकड़ लिया था और वो उन्हें लेकर बाहर भी निकल गए थे। ईशान ने जैसा सोचा था ये सब उससे कहीं ज्यादा जल्दी हो रहा था। लौटने के बाद उन्होंने ये जो तरीका अपनाया था ये सिर्फ TIB के लोगों को दूसरी दुनिया की खबर ना मिले इसके लिए था। वहां खड़ी लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उन 5 में से 1 आदमी की गोली TIB के सदस्य के पैर पर जाकर लग जाती है, लेकिन उस TIB सदस्य ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना जाए। तभी अक्षय सिंह के पास खड़े पुलिस की वर्दी वाले गैंगस्टर ने सबको चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप खड़े रहो, देखो उस TIB सदस्य ने होशियारी से काम लिया है। अगर वो जोर से चिल्ला देता तो होटल के सब लोगों को पता चल जाता, फिर सब लोग बाहर आते और मजबूरन हमें उन सबको मारना पड़ता, क्योंकि इस टिंजा फॉल से निकलना और बचना बहुत मुश्किल है, और बाहर के लोगों को यहां बुलाना उनको भी मौत के मुंह में ढकेलने से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा गैंगस्टर डराते हुए कहता है, हम लोग जानते हैं कि तुम लोगों की मदद के लिए किसी को भी आने में 6 घंटे से कम नहीं लगेंगे, इसलिए चुपचाप रहो और हमें हमारा काम करने दो, वरना इसकी हालत तुम सब देख ही रहे हो। ये सुन के उस TIB सदस्य ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर दर्द के कारण पसीने की परत सी बन गई थी। उसने अपनी आवाज दबा ली थी। सब लोग खड़े थे। तभी एक ट्रेंच कोट पहने एक गैंगस्टर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है। वो उन गैंगस्टर्स का लीडर लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, देखो मैं आप सबको यहां देखकर बहुत खुश हूं, इसलिए स्टिंचा फॉल पर आप लोगों को मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उन टाइम ट्रैवलर्स की तलाश कर रहा हूं, लेकिन क्या है ना, वो लोग आपके साथ यहां से निकलना चाहे, इसलिए मुझे आप लोगों को भी यहां रोक कर रखना पड़ेगा ताकि मैं पहले आसानी से टाइम ट्रैवलर्स को खोज सकूं। इसीलिए यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। सब लोग घबरा कर खड़े हुए थे। बंदूक उन लोगों के सिर पर लगी हुई थी। बाकी स्टूडेंट भी वहां पर ही थे। तभी भीड़ में से निकिता चिल्लाकर बोलती है, ठहरो, उन्हें मत मारो, घबराओ मत मोहित। ये बात सुनकर मोहित और सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सब चुपचाप निकिता को देखने लगे। वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर गैंगस्टर सोच क्या रहे हैं। लेकिन अक्षय के मन में एक ही बात चल रही थी कि ईशान को गलत इंफॉर्मेशन है कि गैंगस्टर सिर्फ 5 ही है, बल्कि गैंगस्टर्स 5 से कहीं ज्यादा है। इस समय सारे स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। उनके चारों तरफ गैंगस्टर बंदूक लेकर खड़े थे, इसलिए उन्होंने समझदारी से काम लेने का निश्चय किया और वो जो भी बातें कर रहे थे वो सिर्फ कानाफूसी और फुसफुसाहट में थी। पर हेवन इन के अंदर से आने वाली पिछली चीखों ने बाहर आते जाते लोगों को थोड़ा चिंतित कर दिया था। पड़ोस के गेस्ट हाउस के बाहर जो दुकानदार खाना बना रहा था उसने अपना हाथ अपने एप्रन से पोछा और बाहर आकर सड़क पर आकर देखने लगा। वो होटल हेवन इन के दरवाजे की ओर देख रहा था, लेकिन अभी अचानक उसने देखा कि अब आवाज आना बंद हो गई थी। तभी उसका ध्यान होटल के दरवाजे की ओर गया जहां पर पुलिस की वर्दी में एक आदमी खड़ा था जो ऐसा लग रहा था कि वहां पर ड्यूटी दे रहा है। दुकानदार ने सोचा कि वो जाकर उससे पूछता है। फिर उसे दुकानदार ने उस पुलिस वाले के पास जाकर पूछा, सर ये अंदर होटल में क्या गड़बड़ चल रही है, काफी आवाज आ रही थी थोड़ी देर पहले, तो गोली चलने की भी आवाज आई थी। पहरे देते हुए पुलिस वाले ने कहा,
अरे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर वो एक शराबी था जो सबको परेशान कर रहा था। उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरा होटल सर पर उठा लिया था। उसी को चुप करने के लिए एक गोली चलानी पड़ी और बाकी सब ठीक है। तुम जाओ, इन सब फालतू बातों में अपना दिमाग मत लगाओ, जाओ। बेरुखी भरा जवाब सुनकर दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है। ये बोलकर दुकानदार अपनी दुकान की ओर बढ़ने लगा, पर उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने चुपचाप से अपना फोन निकाला और अपनी दुकान की तरफ जाते हुए फोन पर कुछ करने ही वाला था कि तभी उसे महसूस किया कि एक ठंडा सा खंजर उसके पेट पर आकर लगा। अगर वो जरा सा भी हिलता तो खंजर उसके शरीर से पार हो जाता, पर वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तब एक दस्ताने वाले हाथ ने कसकर उसका मुंह दबा दिया और उसे खींचकर होटल के अंदर ले गया। उसको अंदर बंद करके वो पुलिस वाला फिर से बाहर आकर दरवाजे पर पहले की तरह ही खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ अपनी कमर पर थे। उधर अंदर सब लोग होटल के यार्ड में खड़े थे। अभी जो कुछ भी हुआ था वो देखकर सारे स्टूडेंट कांप उठे थे। सब ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया था और सारे बदमाश धीरे धीरे एक प्लास्टिक के बैग में उनके मोबाइल फोन इकट्ठा कर रहे थे। पहला गैंगस्टर तेज आवाज में बोला, सब लोग चुपचाप अपने अपने फोन इस बैग में डाल दो। दूसरे गैंगस्टर ने घूमते हुए कहा, और कोई भी होशियारी, तुम्हारी हालत भिटियाबी वाले जैसी हो जाएगी। गैंगस्टर थैली में मोबाइल डालने से पहले एक एक करके उन्हें बंद भी कर रहे थे। उन गैंगस्टर से डर कर सब लोग चुप थे, पर धीरे धीरे वो कुछ कुछ बातें कर रहे थे। पहले स्टूडेंट ने दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग यहां से बचकर निकल पाएंगे। दूसरा स्टूडेंट भी बोला, हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है कि हम लोग कहां फंस गए, पर ये लोग जो उनसे टक्कर लेने की सोच रहे हैं, ये लोग कौन हैं? पहला स्टूडेंट सोचते हुए कहता है, पर हम लोग तो टाइम ट्रैवलर्स भी नहीं है, फिर भी हमें क्यों पकड़ कर रखा हुआ है? मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। अक्षय सिंह मोहित और जैद को भी पीछे ढकेल दिया था। तभी चेहरे पर चोट के निशान वाला एक गैंगस्टर उनके पास आता है और अपना काला प्लास्टिक का बैग खोलकर उनके सामने करता है। वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं, हताशा में अपने फोन निकालकर उस गैंगस्टर के बैग में डाल देते हैं। लेकिन मोबाइल डालने के बाद भी वो गैंगस्टर वहीं खड़ा ही रहता है और मोहित को घूरता रहता है। तभी मोहित ने मन ही मन एक आह भरी और अपने बाई जेब से एक मोबाइल फोन निकाला जो उसने छुपा कर रखा था, प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। गैंगस्टर ने एक तिरछी मुस्कान दी और तीनों को भीड़ में धक्का दे दिया और बोला, ज्यादा होशियारी, हाँ अगली बार कोई गलती की तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। गैंगस्टर लीडर अक्षय सिंह के पास आया और उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, देखो मैं तुम्हें ये बताने का मौका देता हूं कि तुम जब यहां पर आए तो तुम्हें हमारे बारे में पहले से ही पता था। तुम जानते थे कि हम यहां पर घेरा डालकर बैठे हुए हैं, तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली। अक्षय सिंह ने उनकी बातें सुनी और वो अंदर ही अंदर बहुत घबराया, पर उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उसे चुप देखकर उस गैंगस्टर लीडर को थोड़ा गुस्सा आया और फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, देखो लड़के, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं है, पर मैं जानता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है, और मुझे लगता है कि कोई एक और टाइम ट्रैवलर है जो इन सब में तुम्हारी मदद कर रहा है। क्या ईशान उनके गैंगस्टर्स के पास पहुंच पाएगा? क्या अक्षय सिंह अपना मुंह बंद रख पाएगा? क्या लड़ाई में ईशान को अजीत बॉस की ट्रेनिंग मदद करेगी? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। उधर ईशान अपने कमरे में चुपचाप खड़ा था, उसके हाथ में अपना चाकू था, और तभी ईशान ने मशीन की धीमी आवाज सुनी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एक साइलेंस्ड पिस्तौल की आवाज है। ईशान ने पलट के देखा तो देखा आस्था वहां खड़ी है, जो अभी अभी वापस लौटी है। निराली भी उसके साथ थी। आस्था ने उसके हाथ में चाकू देख पूछती है, ईशान ये सब क्या है? ईशान बिना आस्था को देखे जवाब देता है, कुछ नहीं। तभी ईशान ने अपने पैरों के जूते उतार दिए और बाहर जाने के लिए मुड़ा।
तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पलटकर आस्था और निराली से कहा, आस्था आंटी आप और निराली यहीं रुके और दरवाजा बंद कर लें, बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, और आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूं, जल्द ही वापस लौटूंगा। आस्था घबरा जाती है और कहती है, रुको ईशान, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। ये बोल के आस्था अपना रोबोटिक हाथ दिखाते हुए ईशान से बोली, देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, ये हाथ हमारे बहुत काम आ सकता है। ईशान उस हाथ को देखता है और अपनी नजर आस्था की तरफ घुमाकर आराम से बोलता है, देखो आपको लड़ने का कोई अनुभव नहीं है तो मुझ पर विश्वास करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ईशान ये सब बोलता है और जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। ईशान वहां से निकल चुका था। टिंचा फॉल शहर से ऊंचाई पर था, वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी पहाड़ी क्रॉस करनी होती थी। पहाड़ पर तेज हवा चल रही थी। उस रात दूसरे दिन के बजाय हवा तेज और ठंडी थी, इसीलिए आंगन में किसी ने अलाव जलाई हुई थी। तभी किसी ने उसमें एक और लकड़ी फेंकी, लकड़ी के कारण आग थोड़ी कम हो गई और धुआं फैलने लगा। उस धुएं और आग की लहरती रोशनी में एक साया सा दिखाई देता है, उस साये ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। यह ईशान था, वो आंगन में धुएं और आग की छाया के बीच चुपचाप खड़ा था और आंगन के बाहर खड़े अकेले गैंगस्टर को देख रहा था। तभी उसे रौनित की बात याद आ जाती है कि रौनित ने समझाया था, देखो ईशान जिंदगी बड़ी नाजुक है, अगर किसी पर चाकू से वार करो तो सीधे दिल पर करो, ताकि एक बार में ही सामने वाला खत्म हो जाए, ताकि कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हत्या करना इतना आसान नहीं है। ईशान ने अपना चेहरा एक नकाब से छुपा लिया। ऊंचाई पर होने की वजह से सेलफोन के सिग्नल रुक रुक कर आ रहे थे, लेकिन गैंगस्टरों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वॉकी टॉकी अपने पास रखा था। ईशान चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसने अपने दिमाग में एक विचार किया कि हर 10 मिनट के बाद गैंगस्टर अपना सिर नीचे करता और तभी आग भड़क जाती है और उस आग की रोशनी में उस पुलिस वाले को ईशान दिखाई दे जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वहां पर आखिर में है कौन। तो वो धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ने लगता है। ईशान का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन उसी समय निराली उस होटल के दरवाजे से बाहर दिखाई देती है। वो डरते डरते दरवाजे पर खड़े उस गैंगस्टर के पास पहुंचती है जिसने पुलिस की ड्रेस पहन रखी है। निराली उस पुलिस वाले से रोती हुई आवाज में बोलती है, अंकल अंकल क्या आपने मेरी मां को कहीं देखा है? वो गैंगस्टर एक पल के लिए ठहर जाता है। वो निराली को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर धीरे से पूछता है, अरे छोटी बच्ची तुम्हारी मां तुम्हें नहीं मिल रही है क्या? आओ पुलिस अंकल तुम्हारी मां को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है चलो आओ मेरे साथ। वो निराली की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका एक हाथ उठ नहीं रहा था। तभी उस पर अचानक से ईशान ने वार कर दिया। अलाव की आग पूरे दीवार पर टिमटिमा रही थी। इसी धुएं का फायदा उठाकर ईशान चुपचाप उसके पास आ गया था। ईशान हाइट में छोटा था, इसलिए उसने नीचे बैठकर अपने चाकू से उस पुलिस के भेष में छुपे गैंगस्टर पर ऐसे वार किया मानो कोई पहाड़ ने गर्जना की। ईशान का चाकू उस गैंगस्टर के बाएं हाथ में जाकर लगा, जिससे वो बंदूक निकालने वाला था। वो गैंगस्टर समझ गया था कि बहुत देर हो चुकी है। उसने अपना हाथ नीचे किया और ईशान को गर्दन से जकड़ने की कोशिश की, पर ईशान बड़ी फुर्ती से पीछे हट गया। उस गैंगस्टर का हाथ हवा में ही घूम कर रह गया। वो अपने आप पर बहुत गुस्सा हुआ। उसे आग की रोशनी में ईशान का चेहरा दिखा जो पूरी तरह ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और वो आके उसे घूर रही थी। ईशान उससे अच्छी तरह लड़ाई लड़ रहा था, पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। ईशान के हाथ का चाकू अभी भी हवा में लहरा रहा था। चाकू फिर उस गैंगस्टर के हाथ के पास से गुजर गया। तभी ईशान को अजीत की एक बात याद आई कि सबसे जरूरी है सांस पर नियंत्रण। जानवरों के बीच लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सांस लेना। वो आपके शरीर की ऑक्सीजन और आपकी इच्छा शक्ति को नियंत्रण पाने की कुंजी है। एक बार जब आप सांस के महत्व को समझ जाते हैं तो आप खुद पर और हर चीज पर नियंत्रण कर लेंगे।
याद रखो ईशान, तुम्हें शिकारी बनना है या शिकार, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। उन आग की लपटों के बीच ईशान के नकाब के पीछे से एक आग की लाइन बाहर निकली और ईशान के हाथ की ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी शक्ति उसके दाहिने हाथ में इकट्ठा होने के लिए दौड़ रही है। फिर वो चाकू की नोक पर पहुंच गई। ईशान ने पूरी ताकत से वो चाकू उसके पेट में घुसा दिया। तभी उस गैंगस्टर को सायरन दिखाई दिया। उसने सोचा जल्द से जल्द इसे दबाकर अंदर खबर पहुंचा देनी चाहिए। ईशान ने उसे देख लिया और दौड़कर उसे उसके पैरों से खींचकर नीचे गिरा दिया। वो अभी भी कोशिश कर रहा था कि ईशान को डंडे से मार दे, पर ईशान की फुर्ती के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसने बंदूक निकालने की भी कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। वो दोनों एक दूसरे से लगातार लड़ रहे थे। उनके शरीरों के साथ साथ उनके दिमाग भी आपस में लड़ रहे थे, पर चाकू ने अपना काम कर दिया था। ईशान एक मौके की तलाश में था। वो जानता था कि अगर गैंगस्टर ने सायरन का बटन दबा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईशान ने उसे दीवार से दबा के रखा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो ईशान ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपने दाहिने हाथ में चाकू लेकर उसको फिर से उसके पेट में घुसा दिया। वो गैंगस्टर कुछ भी ना कर पाया और तेज दर्द के मारे अंदर ही अंदर चिल्ला पड़ा। ईशान ने चाकू खींच लिया और उस गैंगस्टर के पेट से खून की नदी बह गई। ईशान का पूरा हाथ और चाकू खून में लथपथ हो गए थे। वो गैंगस्टर वही जमीन पर गिर पड़ा। उस ठंडी रात में ईशान के हाथ पर वो गर्म खून उसने उसे याद दिलाया कि आखिर मृत्यु होती क्या है। धीरे धीरे उस गैंगस्टर की दिल की धड़कन और सांस बंद हो गई और ईशान अपने खंजर के साथ वहीं खड़ा रहा। ईशान उस लाश के पास खड़ा था, उसे देख रहा था। उसके हाथ के चाकू से खून टपक रहा था। आज उसे पता चला कि मारने का एहसास क्या होता है। ईशान हांफ रहा था, पर उसके हांफने की वजह उसकी थकान और फेफड़ों पर भार नहीं था, बल्कि उसके दिल में बेवजह का डर और घबराहट थी। आज उसे एहसास हुआ कि अजीत ने ऐसा क्यों कहा था कि जब पहली बार किसी को मारो तो चाकू का इस्तेमाल करना। अजीत की बात ईशान के कानों में गूंजने लगी। ईशान, जब तुम पहली बार मारो तो कोशिश करना कि चाकू से मारो। इस बात पर ईशान ने अजीत से पूछा था, ऐसा क्यों? अजीत ने इस बात का जवाब ईशान को अच्छे से दिया। अगर बंदूक से मारोगे तो दूर से मारोगे, तो मारने वाले की आंखों में मरते वक्त जो दहशत, जो डर होगा, वो तुम देख नहीं पाओगे। और चाकू से बिल्कुल पास से वार होगा, उसकी आंखों में जीने की चाहत दिखाई देगी, मौत का डर होगा और तुम्हें मौत से जिंदगी समझ आ जाएगी। एक टीचर के रूप में अजीत आज ईशान की पहली हत्या नहीं देख सका, लेकिन ईशान ने इन सब बातों से अपना पहला सबक जरूर सीख लिया कि जीवन से कैसे डरे। ईशान लगातार उस मरे हुए आदमी को देख रहा था। उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। तभी निराली डरकर चिल्लाती है, ईशान भैया। ईशान जो उन बातों के समुंदर में गोते लगा रहा था, अचानक इस आवाज से ईशान वापस आ गया और ऐसा लगा जैसे खाई में गिरने से पहले किसी ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया हो। ईशान ने अपना सर घुमाया तो उसे दूर निराली खड़ी दिखाई दी। निराली बिना बोले एक टक ईशान को देख रही थी। वो ये मौत का खेल देखकर चौंक गई थी। उसने अपनी आंखों से ईशान को एक आदमी का खून करते हुए देखा था। आज उसने अपनी आंखों से जिंदगी को मौत में बदलते देखा था। ईशान धीरे से आकर उसके सामने बैठ जाता है। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। ईशान निराली से पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? निराली आंखों में आंसू भरकर ईशान को बोलती है, हां थोड़ा सा। ईशान छोटी बच्ची को चुप करवाता है और बोलता है, निराली तुम बाहर कैसे आई? तुम्हारी मां कहां है? निराली कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी आस्था उनकी ओर भागती हुई दिखाई देती है। वो निराली को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब आस्था ने निराली और ईशान को एक साथ देखा तो उसे थोड़ी राहत की सांस मिली। आस्था ईशान से हांफते हुए बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम क्या गई, ये लड़की पता नहीं कहां गायब हो गई थी। निराली बेटा, तुमने मां को बहुत डरा दिया। निराली कान पकड़ते हुए बोली, मां मैं सिर्फ ईशान भाई की मदद करना चाहती थी। ईशान ने जब यह सुना कि निराली उसकी मदद के लिए यहां आई थी,
तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर निराली के सिर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर लगा खून दिखाई दिया। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ पीछे ले रहा था, निराली ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया और बोली, भैया आप अपना ध्यान रखो, माँ और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ईशान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने निराली से कहा, ठीक है, पक्का वादा। अरे आस्था जी सुनिए, ईशान के मुंह से अपना नाम सुनकर आस्था ने कहा, हाँ ईशान। ईशान आस्था से मदद मांगता है और कहता है, क्या आप मेरी इस गैंगस्टर के लाश को ठिकाने लगाने में मदद करेंगी? आस्था ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, बताओ कैसे करना है। ईशान ने सबसे पहले उस लाश के पास से पिस्तौल उठाकर आस्था को दी और कहा, इसे आप अपने पास रखें, मैं तो हेवन इन में घुसने की योजना बना रहा हूं, आप लोग यहां अकेले हैं, ये आपके काम आएगी। आस्था ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं ईशान, इसे तुम अपने पास रखो, वहां और भी खतरा हो सकता है, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ईशान ने एक पल कुछ सोचा और फिर वो पिस्तौल निकालकर अपनी कमर पर बांध ली। उसने बंदूक को टच नहीं किया था, ना कभी बंदूक चलाई थी, पर उसे बंदूक चलाना आता था। इस बंदूक में साइलेंसर नहीं था, अगर कभी बंदूक चलाई तो सबको पता चल जाएगा और वो घिर जाएगा, लेकिन बंदूक ना होने से होना ज्यादा अच्छा है। ईशान को अजीत की वो बात याद आई कि खंजर ग्रुप के आदमी को सबसे पहले चाकू से ही वार करना चाहिए। ईशान ने इस बार ऐसा ही किया था। ईशान ने निराली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, निराली इस बार तुम्हें मम्मी की बात सुननी होगी और मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करना होगा। निराली ने बड़े प्यार से कहा, ठीक है भैया। तभी गैंगस्टर की लाश पर लगा वॉकी टॉकी बज उठा, अब हम रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तभी गैंगस्टर्स की आवाज आना शुरू हुई, नंबर एक रिपोर्टिंग, नंबर टू रिपोर्टिंग, नंबर थ्री रिपोर्टिंग, नंबर चार रिपोर्टिंग। नंबर चार के बाद अचानक सन्नाटा छा गया। तभी ईशान ने अपनी सांसों की तकनीक से अपने दिमाग पर जोर डाला और उस मरे हुए गैंगस्टर की आवाज में बोला, नंबर पांच रिपोर्टिंग। ईशान वॉकी टॉकी बंद करने वाला था, लेकिन तभी स्पीकर पर एक नया नंबर सुनाई दिया, नंबर छह रिपोर्टिंग, नंबर सात रिपोर्टिंग, नंबर आठ रिपोर्टिंग। ये सुनकर ईशान हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, मेरे ख्याल से तो सिर्फ पांच ही गैंगस्टर थे, पर यह तो ज्यादा है। क्या ईशान होटल में जाकर सब लोगों को बचा पाएगा? आस्था और निराली क्या अपनी सुरक्षा कर पाएंगे? क्या ईशान की मदद के लिए कोई और भी आएगा? पहले खून के बाद ईशान कैसा महसूस करेगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। टीआईवी को सिर्फ पांच गैंगस्टर्स की तलाश थी और ईशान ने भी बस में सिर्फ पांच गैंगस्टर को ही देखा था, लेकिन अब वॉकी टॉकी पर आठ लोग एक दूसरे को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब जाकर ईशान को समझ में आ रहा है कि कैसे ये गैंगस्टर टीआईबी के मेंबर्स को कंट्रोल कर लेते हैं और कैसे उनकी टीम दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कल विनीत ने ईशान से कुछ बातचीत की थी, जिस दौरान विनीत ने उसे कुछ जरूरी बात बताई थी कि ईशान मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वहां पर किसी के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारे रिश्तों को बदल कर रख देती है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो हमेशा अपना फायदा देखता है, इसीलिए इंसान की लालच को कभी कम मत आंकना। अंदाजा लगाओ कि जिस स्टेशन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को तुम और अक्षय सिंह इस्तेमाल करते हो उसे किसने इन्वेंट किया है? ईशान ने जवाब दिया था, स्पाई ने। विनीत ने कहा, नहीं, ये नंबर वन सिटीज के दो सिक्योरिटी ट्रेडर्स हैं। उन्होंने पकड़े जाने के डर से इसे सीक्रेटली इन्वेंट किया था। देख रहे हो इंसान की इच्छा उससे क्या क्या करवा सकती है। विनीत की बात याद करके ईशान को ऐसा एहसास होता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए दुनिया के डार्क साइड भी जाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हर इंसान एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। उसने वॉकी टॉकी को अपने पॉकेट में रखा और आस्था की तरफ इशारा करके बाहर घूमने लगा।
आस्था ने निराली का हाथ पकड़कर पूछा, तुम अभी डर गई थी क्या? क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? निराली ने कहा, हाँ शुरू शुरू में तो मुझे डर लगा था, लेकिन जब ईशान भैया मेरे पास आ गए तो फिर मेरा डर भाग गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। आस्था ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बेटा, तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाती हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें बंदूक, गोली, गैंगस्टर और ऐसी खतरनाक लाइफ देखनी पड़ रही है। आस्था ने निराली को कस के गले लगा लिया। ईशान को चलते चलते सड़क किनारे एक पेड़ मिलता है जो काफी घना होता है। ईशान उसके पीछे आराम से छुप जाता है और वो वहां जाकर अपने वॉकी टॉकी के साउंड को कम कर देता है। होटल के आगे लगी बॉनफायर की आग पत्तों के बीच से कभी कभी ईशान के ऊपर पड़ रही थी। ईशान ने यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन जगह ढूंढ ली थी। वो पेड़ काफी ऊंचा भी था जिससे कोई भी ईशान को देख नहीं सकता था, और वो उस होटल के नजदीक भी था जिस पर ईशान को नजर रखनी थी। ईशान ने वहां से देखा कि होटल के आंगन में 6 लोग थे और एक आदमी आंगन के बाहर खड़ा था और वो पीछे वाले दरवाजे पर निगरानी रख रहा था। ईशान ने सोचा कि अकेले का इतने लोगों पर हमला करना थोड़ा मुश्किल है, और खासकर तब जब वो सारे के सारे गैंगस्टर एक साथ है। ईशान ने अपने जूते में लगे खून के दाग देखे। ईशान ने देखा कि वहां पर वो सारे लोग अक्षय सिंह को घेर कर खड़े थे, और जो उन गैंगस्टर्स का लीडर था वो अक्षय सिंह के माथे पर बंदूक ताने हुए था। ईशान ने देखा कि वो लोग अक्षय से कुछ तो पूछ रहे थे, लेकिन ईशान तक उनकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी। उन गैंगस्टर्स ने 40 से ज्यादा लोगों को कैदी बनाकर रखा था और वहां से बचकर निकलने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। ईशान ये देखकर हैरान हो गया कि उन 40 लोगों में से एक TIB का मेंबर भी उनके कैद में था। उस TIB मेंबर की हालत बहुत खराब थी। उसके माथे से खून टप टप गिरे जा रहा था। जिस जगह पर वह गिरा हुआ था वहां की मिट्टी पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन इतने बुरे हालात में भी उस TIB मेंबर ने अपने दाएं हाथ को अपने ट्राउजर की पॉकेट में डाला और अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर से कुछ इशारा करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहरी दुनिया को कोड के सहारे कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है। उसका इशारा किसी कोड की तरह था, लेकिन ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। ईशान ने उसके इशारे को तुरंत नोट किया और फिर आंगन की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि गैंगस्टर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तभी उनमें से एक गैंगस्टर निकिता को उसके बाल खींचकर लाता है और उसे भीड़ में पटक देता है। निकिता के पैर में काफी गहरी चोट लगी हुई है, इतनी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तभी वो लोग उसे खींचते हुए होटल के अंदर लेकर चले जाते हैं। वहां मौजूद उसके क्लासमेट ये सब कुछ डर से देख रहे हैं। मोहित और जैद ने कई बार कोशिश की कि वो उठकर निकिता की मदद करें, लेकिन बार बार उनकी कोशिश नाकाम हो गई। घायल TIB का मेंबर जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसने बहुत बार कोशिश की कि वो उठकर उन सब बच्चों की मदद करे, लेकिन उन गैंगस्टर्स ने उसे मार मार कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो उठने के लायक भी नहीं बचा था। उसके अलावा वहां पर और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए। ईशान ये सारे तमाशे देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे लगता था कि अनट्रेन्ड गैंगस्टर से बिना किसी ट्रेनिंग के लड़ लेना एक इलॉजिकल बात है। ऐसा करने में सिर्फ बेवकूफी ही है, और ईशान बेवकूफी नहीं करना चाहता था। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद एक गैंगस्टर होटल के अंदर से आया और अपने साथी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी। जब वहां मौजूद स्टूडेंट ने उनकी बातें सुनी तो डर के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। तभी एक गैंगस्टर ने मनन गुप्ता की तरफ देखा और उसे खींचते हुए होटल के अंदर ले जाने लगा। ईशान ये देखकर घबरा गया और फाइनली उसने कुछ तय किया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे नहीं पता था कि वो गैंगस्टर कहां छुपे हुए है, लेकिन वो अपने दोस्त को ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकता था। हेवन इन होटल फॉल से थोड़ी दूरी पर ऊंचाई पर बना हुआ था, इसलिए उसमें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट नहीं थे। दरवाजे पर एक गैंगस्टर सिगरेट फूंकते हुए पीछे वाले दरवाजे की निगरानी कर रहा था। अंधेरी रात में भी उसके सिगरेट की लाल आग नजर आ रही थी।
उसने अपने एक हाथ में पिस्टल लिया हुआ था ताकि अगर कभी भी कुछ हो तो वो तुरंत हमला कर पाए। अचानक से उसे कहीं से पत्थर गिरने की आवाज आती है। पत्थर के गिरने की आवाज सुनकर वो गैंगस्टर अलर्ट हो गया और वो उस ओर देखने लगा जिधर से पत्थर गिरने की आवाज आई थी। चाहे कोई भी हो, वो तुरंत हमला करने वाला था। फिर उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, पर वो थोड़ा शांत हो गया। उसने अपने हाथ में रखे सिगरेट को नीचे फेंका और बंदूक लेकर वो आवाज कहां से आई थी इसका पता लगाने लगा। तभी उसकी वॉकी टॉकी से आवाज आई, रिपोर्ट नंबर 1, 2, 3। गैंगस्टर ने अपना इंटरकॉम दबाते हुए कहा, 4। थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान उसके वॉकी टॉकी पर चला गया था और वो अपने आसपास के माहौल से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन फिर वो अपने आसपास देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे खड़ा कोई इंसान वॉकी टॉकी पर प्रेस करके कहता है, 5। गैंगस्टर के हाथ थोड़े कांपने लगे, लेकिन उसने कोई भी आवाज नहीं की। वॉकी टॉकी पर 6 से लेकर 8 तक की रिपोर्टिंग होती रही। किसी ने नोटिस नहीं किया कि जब उनके 2 लोग मारे जा चुके थे तो फिर 8 लोग की रिपोर्टिंग किसने की? होटल में मनन गुप्ता की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और उसे खींचकर गैंगस्टर 2nd फ्लोर के रूम में ले गया। मनन गुप्ता गिड़गिड़ाते हुए बोला, बड़े भाई प्लीज मुझे कुछ मत करो, मोहित और जैद मुझसे ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, प्लीज आपको जो करना है उनके साथ करो। गैंगस्टर ने एक गहरे काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी और उसके गर्दन में एक सांप का टैटू बना हुआ था जो उसे और भी डरावना दिख रहा था। थोड़ी देर बाद गैंगस्टर ने अपना ग्लव्स उतारकर मनन को अपना मशीनी हाथ दिखाया। वो मनन के चेहरे के सामने अपनी उंगलियां हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र बढ़ने की वजह से उसकी उंगलियों से आवाज आने लगी है। गैंगस्टर ने मनन को डराते हुए कहा, सुनो लड़के, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उसके जवाब दे देना। अगर तुमने अच्छे से कोऑपरेट किया तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। मनन गुप्ता समझ गया। गैंगस्टर ने मनन से पूछा, मशीनी दुनिया में तुम्हारा स्टेटस क्या है? मनन गुप्ता गैंगस्टर के सवाल सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि होटल के अंदर ले जाकर उसे नरक की सैर करवाई जाएगी, लेकिन यहां तो ये लोग मशीनी दुनिया में उसकी पहचान के बारे में जानना चाहते हैं। उसने जैसा सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आएगा, और मनन को यही बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। मनन गुप्ता ने टाइम ट्रैवलर होने वाली बात को बहुत ही अच्छे से छुपाया था ताकि किसी को पता ना चले। जब देर तक मनन गुप्ता ने जवाब नहीं दिया तो गैंगस्टर ने मनन गुप्ता के माथे पर बंदूक से मारा और चिल्लाया, कुछ बोलोगे भी या नहीं? मनन गुप्ता ने डरते हुए कहा, मैं एक हैकर हूं। गैंगस्टर ने हैरान होते हुए बोला, हैकर? मशीनी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए जो टेक्निकल टाइम ट्रैवलर होते हैं उनकी वैल्यू इन गैंगस्टर की नजर में सबसे कम होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों की कोई पहचान या कोई एबिलिटी नहीं होती है। गैंगस्टर ने पूछा, तुम वहां पर कौन से शहर में रहते हो? मनन गुप्ता ने कहा, सिटी नंबर 18 में, पर मैं अभी अभी जिले नंबर 1 में शिफ्ट हुआ हूं। गैंगस्टर ने पूछा, मैंने सुना है कि जिला नंबर 1 में अमीर लोग रहते हैं, तो तुम वहां पर क्या कर रहे हो? मनन गुप्ता बोला, मुझे वहां पर ध्यान रखने के लिए भेजा गया है। यह जवाब सुनकर गैंगस्टर थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। गैंगस्टर ने गुस्से से पूछा, जिले नंबर 1 में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है जहां इसके लिए तुम्हें भेजा गया है? मनन गुप्ता ने कहा, यह प्रोजेक्ट 3 किलर व्हेल का है जो पानी से निकलकर बाहर आ गए हैं। गैंगस्टर कुछ देर तक उसके जवाब के बारे में सोचता रहा, फिर उसने अपने वॉकी टॉकी को कनेक्ट किया और कहा, बॉस, मैंने एक टाइम वॉकर को कंफर्म कर लिया है, यह जिला नंबर 1 के सिटी नंबर 18 का रहने वाला है, चलिए पहले इसका मामला क्लियर करते हैं। ये कहने के बाद उसने अपना वॉकी टॉकी अपने पॉकेट में रखा और मनन गुप्ता को बाहर ले जाना चाहा। मनन गुप्ता ने देखा कि जब गैंगस्टर उसे मारने के लिए आ रहा था तभी उसके पीछे एक आदमी मास्क लगाकर आ गया और उसने उस गैंगस्टर पर अटैक किया। गैंगस्टर का खून बहना शुरू हो गया।
उस आदमी ने भले ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मनन गुप्ता को उसके चेहरे के नैन नक्श अच्छे से समझ आ रहे थे। मनन को वो मास्क वाला इंसान एक रक्षक नजर आने लगा। उसके आते वक्त उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आई और ना ही उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। मनन गुप्ता ने देखा कि गैंगस्टर का शरीर अब कमजोर पड़ने लगा है। इंसान के शरीर का जो ब्लड बैंक होता है, यानी कि स्प्लीन, अगर वो एक बार टूट जाए तो इंसान का सारा खून शरीर से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो जाती है। और खून निकलने की गति और तेज हो जाती है जब हम उस इंसान के गर्दन के पास कोई कट कर देते हैं। गैंगस्टर को ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा है और उसे सुनाई दे रहा था कि उसका खून धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा है। अब उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। तभी गैंगस्टर ने कोशिश किया कि वो अपने वॉकी टॉकी को कनेक्ट करके किसी से बात करे, लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ से उसका वॉकी टॉकी छीन लिया। मनन गुप्ता ने पूछा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या ईशान अपने दोस्त मनन गुप्ता को उनके गैंगस्टर के चंगुल से बचा पाएगा? वो मास्क वाला इंसान जिसने मनन गुप्ता की जान बचाई, वो कौन है? क्या सारे स्टूडेंट इस वॉटरफॉल से जिंदा बच के निकल पाएंगे? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहे पॉकेट एफएम से। मनन गुप्ता ने नकाब वाले से पूछा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? ईशान ने जवाब दिया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मनन हैरान होते हुए, नहीं तो? ईशान ने कहा, अब इतना नाटक मत करो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। चुपचाप मेरे साथ चलो, अभी बात करने का वक्त नहीं है। मनन गुप्ता की आंखों में चमक आ गई। ओह ईशान, ईशान भाई, तुम? मुझे एक पल के लिए लगा था कि तुम हो। तुम ट्रैवलर हो, और तुमने ये कहां से सीखा? ईशान को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई कि मनन ने उसे मास्क के अंदर से भी पहचान लिया था। पहचानना भी चाहिए, आखिर वो लोग क्लास 1 से एक साथ पढ़ रहे हैं। बचपन से वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। भले ही ईशान ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया है या फिर अपने बाल बिखेर लिए हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मनन उसे नहीं पहचानेगा। ईशान को पहचानने के लिए मनन को सिर्फ उसकी आंखें देखने की जरूरत है। मनन गुप्ता ईशान की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। मनन ईशान से सवाल पर सवाल पूछने लगा। ईशान ने मनन को टोका, अपने सवालों का पिटारा बंद करो और इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। मनन गुप्ता बोला, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे बचाने यहां तक आ जाओगे। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करते। अभी ईशान जैसे ही मनन गुप्ता को पीछे के दरवाजे से निकालने वाला होता है, तभी खिड़की से कुछ अजीब तरीके का शोर आने लगा। कुछ लोग चीख रहे थे, भागो भागो, वो लोग मरने वाले हैं। ईशान फौरन खिड़की से बाहर झांकने लगा। ये एक अलग तरह की बंदूक की आवाज थी जिसमें गोलियों की आवाज नहीं आती है। बाहर के कैंप फायर में अचानक से गोलियों की बौछार होने लगी और वहां स्टूडेंट जोर जोर से चीखने लगे। ईशान अपनी जेब से बंदूक निकालकर खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा कि हेवन होटल का ओनर और वेटर दोनों खून से लथपथ वहां जमीन पर पड़े हुए थे और स्टूडेंट्स भाग रहे थे। उसने देखा कि TIB के दो मेंबर घायल जमीन पर पड़े हुए थे और किसी ने दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से स्टूडेंट्स अफरा तफरी में यहां वहां भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी TIB मेंबर के सीने पर गोली लगी हुई थी जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरा हुआ था, पर उसकी आंखें अभी भी खुली थी और दूसरी TIB मेंबर का शरीर दरवाजे के पास गिरा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ रखी थी और वहीं पर उसके बगल में एक गैंगस्टर काफी गुस्से में नजर आ रहा था और थोड़ा आगे बढ़कर एक गैंगस्टर की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। दो गैंगस्टर के शरीर पर चार चार गोलियां लगी हुई थी, लेकिन TIB मेंबर का शरीर खून से लथपथ था। उन्हें देखकर यह बताना नामुमकिन था कि उनके शरीर पर कितनी गोलियां लगी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्टूडेंट के लिए दरवाजा खोलने के चक्कर में सारी गोली अपने शरीर पर ले ली थी। तभी सारे स्टूडेंट्स दरवाजे से बाहर जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये सब कुछ देखकर ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। जब तक वो खिड़की पर आया, जो कुछ होना था वो सब कुछ हो चुका था।
ईशान को अंदर ही अंदर उसे थोड़ा सफोकेशन हो रहा था और वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे ये सफोकेशन क्यों हो रहा है। उस गैंगस्टर ने बाकी बच्चों का पीछा नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने अक्षय सिंह, मोहित और जैद को चारों तरफ से घेर लिया। इससे साफ साफ समझ आ रहा था कि उन गैंगस्टर्स का टारगेट कोई और नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलर्स है और यहां सभी बच्चों को किडनैप करने की उनकी प्लानिंग अचानक से बनी थी ताकि वो इन टाइम ट्रैवलर्स को पकड़ सके। अभी वो उनको घेर कर खड़े ही थे तभी उनके इंटरकॉम से एक आवाज आई, 5वें नंबर का पता नहीं है कि वो कहां है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है। 3रे नंबर और 4थे नंबर तुम दोनों जल्दी से ऊपर आओ, चलो पार्किंग लॉट पर मिलते हैं। 4थे और 5वें नंबर गैंगस्टर की मौत हो चुकी थी। ईशान चुपचाप वो सब कुछ देख रहा था। उसे अचानक से रौनित की कही गई बात याद आती है, कभी कभी तुम्हारे सामने दो रास्ते नहीं होंगे और तुम्हें उस एक ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। ईशान और रिस्क नहीं लेना चाहता था, वैसे भी उसने मनन गुप्ता की जान बचा दी थी इसलिए अब उसका वहां से चले जाना ही अच्छा था। पर ईशान अभी भी इसी सोच में था कि क्या उसने अपना 100% दिया था। जहां तक एक तरफ होटल के बाहर काफी शोर शराबा मचा हुआ था, वहीं होटल के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। ईशान एक हाथ में पिस्टल लिए हुए बाहर जाने लगा तभी अचानक से एक कमरे से निकिता भागते हुए बाहर आती है। लेकिन जैसे ही वो ईशान को कॉरिडोर पर देखती है वो चौंक जाती है। वैसे वो ईशान को ज्यादा जानती नहीं थी इसलिए वो ईशान को पहचान नहीं पाई। ईशान ने निकिता को देखा और देखा कि उसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ मारपीट की हो। निकिता मास्क वाले आदमी को देखकर घबरा जाती है और तभी ईशान ने फौरन अपना हाथ ऊपर उठाकर निकिता को गोली मार दी, जिसमें से दो गोली चूक गई लेकिन बाकी दो गोलियों में से एक उसके बाएं और दूसरे दाएं पैर पर लग जाती है। फिर बिना रुके ईशान वहां से आगे बढ़ने लगा। ईशान को तभी एहसास हुआ कि उसे बंदूक चलाना आता है। भले ही उसका पहला दो निशाना चूक गया था लेकिन बाकी की दो गोली बिल्कुल सही निशाने पर लगी थी। निकिता वहीं पर नीचे गिर पड़ी लेकिन ईशान ने एक बार उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मूवमेंट पर ईशान बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहा था। कुछ दिनों पहले ईशान ने नोटिस किया था कि वो चारों बच्चे हमेशा एक साथ स्कूल आया करते थे, लेकिन एक दिन निकिता स्कूल पहले आई थी और उसने अकेले मनन गुप्ता के साथ मीटिंग की थी। स्कूल के वक्त पूरे दिन अक्षय, मोहित, जैद और चिंकी एक साथ कॉरिडोर में खड़े रहते थे लेकिन निकिता कभी भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाती थी, वो अकेले ही अपनी सीट पर बैठे रहती थी। इसीलिए ईशान ने नोटिस किया कि उनके अंदर की सारी बातें उन गैंगस्टर्स को बहुत अच्छे से पता थी कि वो कब बाहर घूमने जाने वाले हैं और वो कब क्या करने वाले हैं। ईशान ने ऐसे ही एक बार डाउट में जाकर अक्षय से कुछ पूछा था, ये घूमने की प्लानिंग किसकी थी? अक्षय सिंह ने बताया था, चिंकी की। ईशान को शुरू से निकिता पर शक था इसलिए उसे चिंकी का नाम सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ईशान को लगता है कि उस दिन आस्था के घर पर जब गैंगस्टर आए थे उस दिन भी जरूर कुछ ना कुछ हुआ था, क्योंकि उसके अगले दिन ठीक उन चारों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। और जब यहाँ होटल के पास वो गैंगस्टर निकिता को पहले अंदर लेकर जाते हैं और फिर अचानक से मनन गुप्ता को, तब तो ईशान समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, क्योंकि गैंगस्टर इतने तो स्टूपिड नहीं होंगे। निकिता को अंदर ले गए ताकि निकिता से आराम से सारी इंफॉर्मेशन भी ले ली और किसी को निकिता के ऊपर शक भी ना हो। तभी तो निकिता को ले जाने के फौरन बाद वो लोग फौरन मनन गुप्ता को उठाकर ले गए। ईशान को पूरा भरोसा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे निकिता को गोली मार दी। जब थोड़ी देर बाद ईशान ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसने जो भी किया सही किया, क्योंकि वो उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, वो किसी और के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। ईशान किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता था क्योंकि ना ही उसकी दोस्ती टीआईवी मेंबर से थी और ना ही इन होटल के लोगों से। उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसे लगता था कि उसके किए की सजा कोई और भुगत रहा है। टिंचा फॉल एक घूमने की जगह है पर दिन में वहां पर चाहे कितने भी टूरिस्ट हो लेकिन रात होने के बाद वहां कोई नहीं होता। रात में फॉल से पानी की डरावनी आवाज आती है, चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है, वहां मौजूद रेस्टोरेंट भी रात में बंद हो जाते हैं,
रास्ते पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट चलती रहती है। शाम को हेवन इन होटल में जो कुछ भी हुआ उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां के आसपास के गेस्ट हाउस के सभी लोग डिस्टर्ब हो चुके थे। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगे थे, इसलिए गैंगस्टर ने अपने कपड़े बदलकर उनका पीछा किया। बाकी चार गैंगस्टर ने अक्षय सिंह, जैद, मोहित और चिंकी को पकड़कर उनके हाथ रस्सी से बांध दिए थे। मोहित ने गुस्से में कहा, तुम हमें अपने साथ लेकर नहीं भाग सकते क्योंकि चीजें तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है। यहां से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और शायद टीआईबी वालों ने वहां जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी। गैंगस्टर के लीडर ने उसे बीच में नहीं टोका, वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। मोहित ने गैंगस्टर को घूरते हुए कहा, तो हम चारों को लेकर तुम सिर्फ छोटे पहाड़ पर जा सकते हो और वहां पर जाकर तुम क्या ही करोगे। अगर तुम्हें सुरक्षित वापस जाना है तो तुम्हें हम चारों को छोड़कर जाना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा तो तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। गैंगस्टर के लीडर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहित को जवाब देने के बाद उसने अपने एक साथी को एक प्लास्टिक का बैग खोलने के लिए कहा जिसमें दर्जन से ज्यादा बम रखे हुए थे। फिर तुरंत उसने लाइटर निकाला और अपने हाथ में लाइटर को जलाया और फिर उसी लाइटर से एक कॉटन का कपड़ा जलाकर बम वाले बोतल में डाल दिया। गैंगस्टर का लीडर बोला, सुनो इसे उधर फेंक दो। वो गैंगस्टर उस बोतल को उठाकर उसे इतनी जोर से रोड पर खिड़की के बाहर फेंकता है कि वो बम सामने वाले गेस्ट हाउस पर जाकर गिर गई और वहीं फट गई। अचानक से वहां आग लग गई और आग फैलने लगी। होटल में आग लगने की वजह से वहां मौजूद सभी टूरिस्ट में और ज्यादा भगदड़ मच गई। होटल में छुपे हुए लोग सड़कों पर आ गए, कुछ आग में झुलस गए। इस हादसे ने बड़ा रूप ले लिया। गैंगस्टर का लीडर कड़क आवाज में कहता है, सच कहूं तो मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं अक्षय तुम्हें यहां से लेकर चले जाऊं, लेकिन मुझे डर है कि तुम उस दुनिया में वापस ना चले जाओ, और अगर वहां जाकर तुमने अजीत को सब कुछ बता दिया तो बेचारा वो हमें ढूंढने में फालतू का मेहनत करेगा और उसे हम मिलेंगे भी नहीं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें यहीं पर गुड बाय कह दूं। गैंगस्टर के लीडर ने अपने एक साथी को इन सबको खत्म करने का इशारा किया और वो पीछे मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके जिस साथी ने चिंकी को पकड़ा हुआ था वो खून से लथपथ है। किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो कब मरा और उसे किसने मारा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर उनका शिकार कर रहा है। अब वो जो खुद सबका शिकार करने आए थे अब वो किसी शिकारी का शिकार बन चुके हैं। गैंगस्टर ने गुस्से में आकर अपनी बंदूक अक्षय सिंह के माथे पर रख दी, पर उस वक्त अक्षय ने हिम्मत दिखाकर उसे एक लात मारा और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। वो तेज दौड़ता रहा और वो गैंगस्टर भी उसके पीछे पीछे भागता रहा। जैसे ही अक्षय उस गैंगस्टर के हाथ आया तभी कहीं से किसी ने अचानक से उस गैंगस्टर के पैर में एक गोली मारी, और जैसे ही गोली लगने की वजह से वो गैंगस्टर जमीन पर गिरा तभी अचानक से दूसरी गोली आई और उसके सर पर लगी और उस गैंगस्टर की भी मौत हो गई। गैंगस्टर के लीडर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अचानक से उन टूरिस्ट के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। टूरिस्ट के बीच वैसे ही अचानक से भगदड़ मच गई। वो सब अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। गैंगस्टर का लीडर और बाकी गैंगस्टर मोहित और जैद के साथ मिलकर उस भीड़ का हिस्सा बन गए और एक साथ पार्किंग लॉट में जाने लगे। उस रात कई लोगों की जान गई थी। उन गैंगस्टर ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन कुछ बदलाव के कारण उनका प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका था। गैंगस्टर में से अब सिर्फ दो बचे थे। आखिर वो कौन था? चुप चुप के सभी गैंगस्टर को खत्म कर रहा था। क्या टीआईबी के मेंबर्स मदद के लिए वहां पहुंच पाएंगे? इस रोमांचक कहानी में अब क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहें पॉकेट एफएम से। घूमने आए बच्चों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ये सब होने वाला है। ये हादसा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक था जो वहां वॉटरफॉल के मजे लेने आए थे। भगदड़ की वजह से वहां की शांति भंग हो चुकी थी। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भीड़ में लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और गिर रहे थे।
मोहित और जैद पार्किंग लॉट में छुपने के लिए दौड़े। जैद ने दुखी होते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी कम उम्र में मरना पड़ेगा, वो भी किसी गैंगस्टर की गोली से। मोहित ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम क्यों मरेंगे, हम यहां किसी कार में छुप जाते हैं, कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जैद गुस्से में बोला, क्या सच में तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूं? तुम बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो और मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। यहां कौन इंसान पार्किंग में अपनी कार खुली छोड़कर गया होगा कि जाकर हम उसमें बैठ जाएं? मोहित थोड़ा चिढ़कर बोला, तो क्या यहां मरने के लिए इंतजार करें? हमें कुछ तो सोचना होगा, और हो भी सकता है कि किसी से गलती से गाड़ी का लॉक खुला छूट गया हो। मुझे लगता है कि हमें ट्राई करना चाहिए। मोहित और जैद एक एक गाड़ी का लॉक खोलकर चेक करने लगे, पर उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। जैद को पैनिक अटैक आ रहा था, वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लग रहा था कि कब कोई गोली आकर उसका सिर खोल देगी। इस डर की वजह से जैद ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक गैंगस्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ में खड़े एक लड़के पर उसकी नजर गई, जिसके पीछे आग की लपटें दिखाई दे रही थी। ये लपटें उस आदमी के पीछे जल रही बिल्डिंग की थी, पर उसे देखकर लग रहा था जैसे ये लपटें उस आदमी के शरीर से निकल रही हो। गैंगस्टर लीडर ने अपने साथी से पूछा, भीड़ में जो लड़का खड़ा है मास्क पहने, उसकी आंखों का रंग कुछ अलग नहीं है? साथी गैंगस्टर बोला, हाँ, उसकी आंखों का रंग और लोगों की आंखों से अलग है, वो बड़ा गुस्से में दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये अपने किसी खास इंसान को बचाने यहां आया है, अगर आज हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें जरूर मार देगा। साथी गैंगस्टर बोला, पर हम इसे मारेंगे कैसे? मुझे तो ये शक्तिशाली लड़का लग रहा है, हमें इससे बचकर भाग जाना चाहिए। गैंगस्टर लीडर ने कुछ प्लान बनाया और दूसरे गैंगस्टर को कहा, तुम पार्किंग लॉट में एंटर हो और देखो, वहां दो लड़के हैं जिन्हें मैंने वहां जाते हुए देखा था, उन्हें ढूंढ कर मुझे इशारा करो। मैं जानता हूँ, हो ना हो ये आदमी उन लड़कों से कोई तो संबंध रखता है। जब हम उन लड़कों को चोट पहुंचाएंगे तो ये आदमी खुद हमारे पास आएगा और तब हम मौके का फायदा उठाकर इसे मार देंगे। दूसरा गैंगस्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा, पर एक बार मेरी बात पर गौर करें कि शायद हमें यहां से भाग जाना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। गैंगस्टर लीडर ने दूसरे को वो जोर से आंख दिखाई, जिससे डरकर दूसरा गैंगस्टर पार्किंग में चला गया। मोहित और जैद को ढूंढने के बाद उसने पहले गैंगस्टर को इशारा किया और तभी दो गोली की आवाज आई। गोली की आवाज के साथ ही मोहित और जैद जमीन पर गिर पड़े। बिजली की रफ्तार से पहला गैंगस्टर मोहित की तरफ दौड़ता है और अपने साथी को लेकर वहां से निकल जाता है। मोहित और जैद जमीन पर पड़े चीख रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। दूसरा गैंगस्टर थोड़ा दुखी होकर बोला, क्या हमने ये छोटे छोटे स्टूडेंट्स को गोली मारकर सही किया है? गैंगस्टर लीडर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें पैर पर गोली मारी है, वो मरने वाले नहीं है, अब हमें हमारे अगले शिकार का इंतजार करना है। ये पार्किंग लॉट बहुत बड़ा था, जहां पर ढेरों कार लाइन में लगी हुई थी। ये पार्किंग किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रही थी, ये एक मेज के खेल जैसा था। ईशान चीख सुनकर मोहित और जैद के पास आता है। जैद दर्द से कहराता हुआ बेहोश हो जाता है। ईशान उसकी नाक के पास हाथ लगाकर चेक करता है, उसकी सांसें धीमी चल रही थी। मोहित की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो दर्द से चीख रहा था। मोहित रोते हुए बोला, हमें बचा लो, उन गैंगस्टर्स को छोड़ना मत, उन्होंने हमें बेरहमी से गोली मार दी है। ईशान ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। इस एरिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वहां की नर्स और स्टाफ इतने ट्रेंड भी नहीं थे कि वो गोली निकालकर इनका इलाज कर सके। हालांकि गोली पैर में थी, पर अगर बहुत देर हो जाएगी तो गोली के जहर से हो सकता है कि उन्हें अपने पैरों से हाथ धोना पड़े। ईशान ने कहा, तुम हिम्मत रखो, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो बहुत जल्द ही यहां पहुंचकर तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे, तुम्हें बस अपने सांसों को काबू में रखना है, ब्रीदिंग अच्छे से करते रहो, बेहोश नहीं होना है, अपने दोस्त को संभालो। ईशान की बातें सुनकर मोहित अचानक से उठने की कोशिश करने लगा। उसने ईशान की स्लीव पकड़ ली और खड़े होने की कोशिश करने लगा और अपनी कपकपाते हुए आवाज में कहने लगा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी मदद की, उसका शुक्रिया,
पर गैंगस्टर्स को छोड़ना मत, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उन्हें मारने में मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। ईशान ने कहा, तुम यहां से हिल भी नहीं सकते हो, तुम्हें गहरा घाव है, तुम चिंता मत करो, आज वो गैंगस्टर जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हें अपने आप को बचाना है तो अपना ध्यान रखो। ईशान पार्किंग लॉट को गौर से देख रहा था और जिस तरह से गाड़ियां उसमें खड़ी हुई थी उसे समझ में आ गया था कि ये एक मेज की तरह है और हो ना हो गैंगस्टर ने उसे फंसाने के लिए उसे यहां बुलाया है। ईशान समझ गया था कि गैंगस्टर उसका यही इंतजार कर रहे हैं। ईशान पर आज उन्हें मारने की धुन सवार थी, वो किसी भी हाल में गैंगस्टर को मारना चाहता था। ईशान ने चारों तरफ नजर घुमाई, थोड़ा आगे बढ़ा और एक बड़ी सी बस को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया। बस का पतरा बहुत हल्का था पर फिर भी पैरों की जरा भी आवाज नहीं आई। ईशान ने जो ट्रेनिंग ली थी वो उसके काम आ गई थी। उसने दबे पैरों से बस पर चलना शुरू किया और चारों तरफ गैंगस्टर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। बस के पिछले हिस्से तक जब वो पहुंचा तो वो हैरान हो गया कि गैंगस्टर उसी बस के पीछे छुपे हुए हैं। और तभी ईशान की नजर एक आदमी पर पड़ी, वो एक शैडो जैसा दिख रहा है। वो आदमी अपने हाथ की हथेलियों को गैंगस्टर की तरफ घुमाए हुए है, ऐसा लग रहा था जैसे उस शैडो ने उन दोनों गैंगस्टर्स को अपने काबू में कर रखा है। अपने एक हाथ से उस शैडो ने दो लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, ये देखकर ईशान हैरान हो गया। तभी मास्क के पीछे से एक आवाज आती है, अब भागने की सोचना भी मत, तुमने बहुत खेल खेल लिया है। ईशान हैरान हो जाता है क्योंकि ये आवाज एक लड़की की थी। ईशान तुरंत सब मामला समझ जाता है, ये गैंगस्टर ईशान पर हमला करने वाले थे पर अभी तक वो इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि इस लड़की ने उन्हें अपनी शक्ति से यहां बांध दिया था। ईशान ने उस शैडो की तरफ देखा जो कि बहुत लंबी और पतली थी, उसने एक बहुत बड़ा ओवरकोट पहना हुआ था। ईशान चुपचाप खड़े होकर उस शैडो को देख रहा था और उसके पीछे के चेहरे को जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उस शैडो की नजर ईशान पर पड़ी, नजर हटते ही एक गैंगस्टर लीडर दौड़ता हुआ वहां से चला गया और तभी एक इंजन की आवाज सुनाई दी। बस के ऊपर खड़े ईशान को बस में वाइब्रेशन फील हुआ, ईशान समझ गया कि गैंगस्टर ने ही बस स्टार्ट कर दी है। ईशान ने कुछ नहीं सोचा और वो तुरंत बस से कूद गया। शैडो गर्ल ने ईशान को देखा, उसके पैरों में चोट लगी थी, खून बहने लगा था पर ईशान के चेहरे पर उसे दर्द नजर नहीं आया। ईशान ने दौड़कर गैंगस्टर की बंदूक उठाई और शैडो से एक नजर मिलाकर बस के पीछे दौड़ने लगा। शैडो के पीछे छिपी लड़की ने अपने हथेली से प्रेशर लगाकर गैंगस्टर को घुटनों के बल बैठाकर अपनी हथेली घुमाई जिससे घुटने टूटने की आवाज आने लगी और गैंगस्टर चिल्लाने लगा। कुछ सेकंड बाद वो जमीन पर गिर गया। लड़की ने अपने ओवरकोट में हाथ रखे और वहां से चली गई। काले रंग की बस ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाने लगी। इस फॉल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ऊंचा नीचा और ऊबड़ खाबड़ था तो बस कितनी भी तेज क्यों ना चले वो गैंगस्टर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ईशान ने एक खुली हुई कार में बैठकर उस बस का पीछा किया और बंदूक से बस पर निशाना साधा। गैंगस्टर समझ गया था कि इस लड़के का निशाना बिल्कुल पक्का है क्योंकि उसकी गोली एक भी हवा में नहीं गई बल्कि बस के कांच और बॉडी पर लगी। ईशान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसके सिर पर खून सवार था। गैंगस्टर को पीछे आता हुआ आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। गैंगस्टर की धड़कन लगभग रुक चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बंदूक की गोली की आवाज आना बंद हो गई। गैंगस्टर ने देखा कि बंदूक की गोली की आवाज बंद हो गई है, वो समझ गया कि उस आदमी के पास अब गोलियां खत्म हो गई है। गैंगस्टर ने अपनी बंदूक निकाली, गैंगस्टर के चेहरे पर जीत की भावना थी। ईशान की गाड़ी अब धीमी हो चुकी थी, गैंगस्टर ने अपनी बस को धीमा किया और खिड़की नीचे की, कांच में ईशान को देखा। बस की स्पीड लगभग धीरे करके उसने ईशान पर निशाना साधा। तभी ईशान ने अपने हाथ से दूसरी बंदूक निकाली और बस गैंगस्टर पर निशाना साधा। दोनों आमने सामने बंदूक ताने चल रहे थे। बस में चल रहे गैंगस्टर ने बिना देर किए ईशान पर बंदूक चला दी। ये गोली ईशान के कंधे को छूती हुई निकल गई। ईशान के सीधे हाथ के कंधे से खून की नदी बहने लगी, उसके हाथ से बंदूक बाहर गिर गई। गैंगस्टर समझ गया कि उसने उस लड़के को गोली मार दी है।
गैंगस्टर ने फिर भी मौका नहीं छोड़ा और एक गोली और मारी जो कि गाड़ी के आगे के टायर से जा भिड़ी, जिसकी वजह से ईशान की गाड़ी ने बैलेंस खो दिया। गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलने लगी और रास्ते के गड्ढों में से आगे नहीं बढ़ पाई। ईशान को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उसे बहुत तेज गोली लगी है, उसके जख्म से खून बह रहा है। ईशान ने गाड़ी रोकी और सड़क पर उतरकर दौड़ने लगा। चोटिल ईशान को सड़क पर दौड़ता देखकर गैंगस्टर को यह लगा जैसे उसकी मौत उसके पीछे आ गई थी। उसने बस को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। ईशान आज अपने काबू में नहीं था। पत्थरों से भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर पागलों की तरह दौड़ लगाने लगा। खून और मिट्टी से सने उसके पैर ऐसे दिख रहे थे मानो ये किसी राक्षस के पैर हो। ईशान तेजी से बस के पीछे दौड़ रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ शतरंज का खेल चल रहा था जिसमें वो माहिर था। ईशान ने अपनी सांसों पर इतना जबरदस्त काबू कर रखा था कि उसकी सांसें जरा भी तेज नहीं चल रही थी और उसकी स्पीड कार की स्पीड से कम नहीं लग रही थी। बस में बैठा गैंगस्टर अब बहुत डरने लगा क्योंकि उसके पास भी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी और ईशान जिस तरह से उसके पीछे भाग रहा था उसे अपनी मौत से कम नहीं लग रहा था। टिंचा फॉल का रास्ता छोटी सी पहाड़ी से होकर गुजरता था। अब उस पहाड़ी से बस को नीचे उतारना था। गैंगस्टर समझ गया था कि यहां से अब वो बस को तेज नहीं चला सकेगा। ईशान भी ये जान चुका था कि इस छोटी सी पहाड़ी के रास्ते पर ये गैंगस्टर रुक सकता है क्योंकि अब उसके पास ना इतना तेज बस चलाने का ऑप्शन है और ना ही उतरकर कहीं छुपने का। ये पहाड़ी ईशान को परफेक्ट लग रही थी। हमला करने के लिए ईशान इतना चालाक हो चुका था कि दौड़ते दौड़ते ही उसने गैंगस्टर को मारने की स्ट्रेटेजी बना ली थी। ईशान और तेज दौड़ने लगा और फाइनली वो पहाड़ी के रास्ते में धीमी चल रही बस तक पहुंच गया। ईशान ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस पत्थर को इतनी तेजी से हवा में आगे की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधा हवा में उड़ता हुआ बस के आगे जाकर गिरा और वो बस पत्थर से टकरा गई। क्या ईशान सबको बचा पाएगा? वो शैडो गर्ल कौन थी? क्या हुआ होगा जब बस पत्थर से टकराई होगी? क्या ईशान इस गैंगस्टर को मार पाएगा? इस रोमांचित कहानी का क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से। ईशान ने पत्थर को हवा में ऐसे उछाला जैसे कि उसने कोई शक्ति को हवा में उछाला हो। ये इतना बड़ा पत्थर ईशान ने आसानी से उठाकर बस के आगे फेंक दिया। ये काम किसी साधारण लड़के का नहीं हो सकता है। ईशान की शक्तियां अब जागने लगी थी। पत्थर सामने आते ही गैंगस्टर ने बस का ब्रेक लगाया और बस ने अपना बैलेंस खो दिया। बस तिरछी होकर अपने साइड के पत्थरों से टकराती हुई आगे चलने लगी और पत्थर से टकराकर रुक गई। बस में बैठा गैंगस्टर अपनी सीट से दूसरी सीट पर गिर चुका था। उसके हाथ से बंदूक न जाने हवा में कहां चली गई थी। उसके सिर पर जबरदस्त चोट आई और नाक से खून बहने लगा और उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुछ देर के बाद गैंगस्टर ने खुद को संभाला। उसने अपने आप को बस से बाहर निकालने की कोशिश की। उसे बहुत खांसी होने लगी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। गैंगस्टर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूं? अंदर रहकर मर जाऊं या बाहर उस लड़के के हाथों मरूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज मैंने साक्षात यमराज को मेरे सामने देखा है। गैंगस्टर बड़ी मुश्किल से बस से बाहर निकला और अपने जख्मी शरीर से लड़खड़ाते हुए चलने लगा। जैसे ही गैंगस्टर ने अपना पहला कदम जमीन पर रखा, उसे पत्थर चुभने लगे। वो हैरान था कि जिस रास्ते पर चलना मुश्किल है, उस रास्ते पर वो लड़का इतनी तेज दौड़ कैसे सकता है। गैंगस्टर जानता था कि आज वो बच नहीं सकता, पर उसे ये पता था कि उसे बचने की एक कोशिश करनी है। गैंगस्टर ने चारों तरफ आंखें घुमाई, उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि उसके पीछे दौड़ने वाला आदमी मर चुका है या यहां से चला गया है। कुछ देर इंतजार करने के बाद गैंगस्टर जोर से चिल्लाया, मुझे मारने चला था, मर गया साला। पीछे तो मेरे ऐसे आया था जैसे आज मेरी जान लेकर ही दम लेगा, अब कहां गायब हो गया। गैंगस्टर ने चारों तरफ देखा, कोई हलचल नहीं हुई। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने जख्मों को
कपड़ों से बांधा और पहाड़ी से नीचे की तरफ भागने लगा। उसे डर था कि कहीं वो यमराज फिर से उसके पीछे ना आ जाए। उसका शरीर बहुत ज्यादा चोटिल था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागने की कोशिश करते हुए वो 2-3 बार गिर गया था, पर फिर भी वो ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पीछे मौत आ रही हो। गैंगस्टर कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने मुड़कर पीछे देखा। वो हैरान हो गया था कि तिरछी पड़ी हुई बस के ऊपर एक साया खड़ा है। ये साया और कोई नहीं बल्कि ईशान था। गैंगस्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। जो अभी चिल्लाकर अपनी मौत को बुला रहा था, अब उसकी हालत खराब हो गई थी। वो हाथ जोड़कर उस साये से भीख मांगने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, पर मुझे मत मारो, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहता। काला साया बस के ऊपर चुपचाप खड़ा था। ईशान ने गैंगस्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ईशान ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और बस से नीचे की तरफ से कूदा। गैंगस्टर जोर से चिल्लाया, बचाओ कोई, मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मारने वाला है, कोई मेरी मदद करो। ईशान ने रौबदार आवाज में कहा, तुम लोगों से मदद मांग रहे हो जिन्हें तुम बेरहमी से मारने आए थे? तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी है? अब तुम्हें कैसे माफ करा जा सकता है? गैंगस्टर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, पर मेरी जान बख्श दो। ईशान ने अपनी जेब से चाकू निकाला। ईशान के चाकू की धार इतनी तेज थी कि किसी की जान ले सकती थी। चाकू की चमक गैंगस्टर की आंखों में चुभ रही थी। उसे समझ आ गया था कि आज उसकी मौत इसी चाकू से होने वाली है। वो अपने पैरों से रेंगता हुआ आगे खिसकने लगा और उठने की कोशिश करने लगा। ईशान बोलता है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे कहीं दूर भाग पाओगे? अब तुम्हें मारे बिना मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ईशान ने गैंगस्टर पर हमले के पहले चाकू को हवा में घुमाया। ईशान चाकू को हवा में ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा हो। ईशान की कलाई इतनी लचीली हो चुकी थी कि वो चाकू को बहुत फुर्ती से घुमाने लगा था। ईशान की ट्रेनिंग जैसी चल रही थी, ईशान उससे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। ईशान ने चाकू को घुमाया और गैंगस्टर की तरफ फेंक दिया। हवा के साथ चाकू गैंगस्टर के आर्म पर जा लगा। गैंगस्टर की दर्द भरी चीख निकल पड़ी। गैंगस्टर बोला, मैं मरना नहीं चाहता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, आखिर तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो, तुम कौन हो? ईशान ने कहा, मैं कौन हूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी मौत हूं। तुम्हारी ये चीख उन सब लोगों की चीख से मिलती जुलती है, आखिर अब तुम्हें पता लगेगा कि मौत का दर्द कैसा होता है, और वैसे ही आज तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। गैंगस्टर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं अपनी सारी गलती कबूल करता हूं, क्या तुम मुझे एक बार सुधरने का मौका नहीं दे सकते हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। गैंगस्टर की बातें सुनकर ईशान ने उसे मारने का फैसला बदल लिया था, पर तभी एक फोन की आवाज आई। जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की समान गैंगस्टर ईशान के सामने पड़ा था। ईशान उसकी तरफ गया, उसके हाथ से अपना चाकू निकाला और उसकी पॉकेट से फोन निकाला। ईशान सोच रहा था, गैंगस्टर तो मारे जा चुके हैं, अब ये कौन फोन कर रहा है? ईशान ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसमें लिखा था अननोन कॉलर। ये एक वीडियो कॉल था। ईशान ने फोन उठाया पर अपनी हाथ की उंगली से कैमरे को बंद कर दिया। सामने की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
ऐसा लग रहा था कि सामने वाला गैंगस्टर के बोलने का इंतजार कर रहा है। ईशान भी चुपचाप सामने वाले के बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड बाद सामने वाली तरफ से आवाज आई, इसका मतलब सब मर चुके हैं, सही कहा ना मैंने? ईशान अब भी चुप था। सामने से फिर आवाज आई, जब सब मर चुके हैं तो तुम फोन क्यों उठा रहे हो, और जब फोन उठाया है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ईशान अब भी चुप था। उसने सामने वाले की बात का जवाब नहीं दिया, और फिर कुछ देर बाद उसने कैमरे से अपनी उंगलियां हटा ली। बिल्डिंग में आग पर काबू पा लिया गया था। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था। आसपास के बिल्डिंग आग की वजह से काली पड़ चुकी थी। कुछ लोग साइड में बैठकर रो रहे थे, कुछ घर वापस जाने के लिए मदद मांग रहे थे, कुछ अपना फोन निकालकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अविनाश अवस्थी हेवन इन होटल के गेट तक आता है। अविनाश अवस्थी पूरे केस की जांच कर रहा था। उसे रास्ते में एक गैंगस्टर की लाश और बस मिली जिसका एक्सीडेंट हुआ था। यहां उसे पार्किंग लॉट में एक अधमरी हालत में गैंगस्टर मिला। अविनाश अवस्थी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। ये हादसा बहुत बड़ा रूप ले चुका था। टीआईवी मेंबर्स ने कभी नहीं सोचा था कि शहर की शांति इस तरह से भंग होगी। पहाड़ी के रोड पर मिले गैंगस्टर की लाश पर चाकू के निशान थे और नीचे खून भरे पैरों के निशान थे। इसका मतलब यह है कि जो भी मर्डरर था उसने शूज नहीं पहने थे, और वो रास्ता बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। उस पर एक साधारण आदमी नंगे पैर नहीं चल सकता है। अविनाश अवस्थी अपने साथी से कहता है, हमें खून के सैंपल लेकर टेस्ट करवाना होगा। साथी ने जवाब दिया, जी सर। अविनाश सोचते हुए बोला, यहाँ आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पार्किंग लॉट में जो गैंगस्टर हमें मिला है उसे मारा भी जा सकता था, पर उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया गया है ताकि हम उसे इंटरोगेट कर सके। हमें यहाँ जो भी दिख रहा है उसकी रिपोर्ट हमें लिखनी भी होगी। छोटी से छोटी बात को इसमें रिकॉर्ड करते रहो, साथ ही साथ उनके वीडियो क्लिप और फोटोज भी खींचो। अविनाश अवस्थी चारों तरफ देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। डरे हुए लोग, आग की लपटे, चारों तरफ धुआं, ऐसी खूबसूरत जगह का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने इमोशंस पर काबू किया, अपने आंसू पोंछे। अविनाश अवस्थी अपनी जांच पर लग गया था। उसने गैंगस्टर्स की लाशों को ध्यान से देखा और उसे ये समझ आया कि ये सब कुछ अजीब है। वो अपने साथी से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई मास्टरमाइंड का काम है? सारी लाशों को देखकर लग रहा है कि उनको मारा कहीं और गया है और उसकी बॉडी को कहीं और छोड़ दिया गया है। साथी बोला, इसका क्या मतलब है सर? अविनाश ने कहा, जरा होटल की हालत देखो, इतनी आग के बाद भी वो गैंगस्टर जला नहीं, जबकि उसे ऐसी जगह पटका गया है जहां वो जल नहीं पाया ताकि हम उसका चेहरा पहचान सके। अविनाश अवस्थी बहुत हैरान था। उसे हर डेड बॉडी की जांच बारीकी से करनी थी। इसके लिए वो हर लाश के पास जाकर उसे घूम घूम कर देख रहा था। अविनाश अवस्थी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे गैंगस्टर का भी कोई बड़ा गैंगस्टर आकर यहां इन सब की जान का दुश्मन बन गया था। वैसे ये कितने स्टूडेंट्स थे, क्या वो सब ठीक है? साथी ने जवाब दिया, स्टूडेंट तो ये बहुत सारे थे, पर जो गंभीर रूप से घायल है उसमें मोहित और जैद नाम के लड़के हैं। बाकी सबको हल्की फुल्की चोट आई थी, पर इन दोनों के पैर में गोली लगी थी। इन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया गया है जहां उनकी पैर की सर्जरी शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है वो दोनों बच जाएंगे, पर सर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ ढेर सारे स्टूडेंट आए हैं, वो भी एक ही स्कूल के। मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ बहुत पहले की प्लानिंग थी। अविनाश अवस्थी हैरान हो जाता है। वो भी मन ही मन समझ गया था कि ये सब मशीनी दुनिया से ही जुड़ा है। साथी ने कहा, और हाँ, एक निकिता नाम की लड़की है जो भी काफी घायल हो चुकी है। उसने बताया कि उसे कोई मास्क पहने हुए आदमी ने उस पर गोलियां चलाई। अविनाश अवस्थी ने हैरानी से पूछा,
मास्क पहने हुए आदमी ने गोली चलाई? साथी ने कहा, हाँ सर, मुझे लगता है वो इन गैंगस्टर्स का लीडर होगा। अविनाश अवस्थी बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से वो गैंगस्टर्स को मारने वाला था। हो सकता है वो गैंगस्टर को मारने यहाँ आया था, पर उसने निकिता पर गोली क्यों चलाई? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो किसी रीजन से हुआ है जो अभी हमें नहीं पता है। साथी ने कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं, कि गैंगस्टर्स से बचाने वाला कोई और आदमी था जिसे हम मर्डरर कह रहे हैं, पर अब उसने गैंगस्टर्स को मार के लोगों की जान बचाई है, तो हम उसे फिर मर्डरर कैसे कह सकते हैं? अविनाश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, हम नहीं जानते कि गैंगस्टर्स को मारकर लोगों को बचा रहा था या अपना खुद का सच छुपा रहा था। जब तक हम पूरी जांच नहीं कर लेते, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। फिलहाल हमें लोगों को यहां से निकालने की व्यवस्था करनी होगी। अभी सभी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, हम उनसे बाद में पूछताछ करेंगे। अविनाश अवस्थी के कहने पर गैंगस्टर की लाशों को एक जगह लाया गया। अविनाश अवस्थी ने लाश देखकर कहा, जरा इन सब की तलाशी लो और इनके पॉकेट में जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दो। अविनाश अवस्थी के साथी फोन तलाश करते हैं। सारी लाशों में से सिर्फ एक के पॉकेट में फोन जैसा वॉकी टॉकी निकलता है। ये देखकर अविनाश अवस्थी हैरान हो जाता है और साथी से कहता है, यह सातवां वॉकी टॉकी मिला है। गैंगस्टर 8 थे। इसका मतलब यह है कि एक और वॉकी टॉकी किसी और के पास है जिससे ये कम्युनिकेट कर रहे थे। वो फोन हमें नहीं मिला। ये कह के अविनाश अवस्थी फोन उठाकर एक पहला नंबर डायल करता है। अविनाश अवस्थी बोला, हेलो, मेरा नाम अविनाश अवस्थी है, मैं TIB का मेंबर हूं। क्या ईशान का सच अविनाश अवस्थी को पता चल पाएगा? एक गैंगस्टर जो जिंदा रह गया, क्या वो ईशान को पहचान पाएगा? आखिर ईशान कहां गायब हो गया? क्या वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ से जवाब आएगा? इस रोमांचित कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहे पॉकेट FM से। इंचोफॉल के एक होम स्टे के कमरे में ईशान लेटा हुआ था। तभी ईशान की टेबल पर रखे वॉकी टॉकी पर अचानक अविनाश अवस्थी का मैसेज आता है। हेलो, मैं TIB से अविनाश अवस्थी हूँ, कोई मेरी बात सुन रहा है? लगातार वॉकी टॉकी पर अविनाश अवस्थी का मैसेज आ रहा था, लेकिन ईशान उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो उसे चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे वॉकी टॉकी पर आवाज आना बंद हो गई। ईशान पलंग पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वहीं साथ ही में आस्था कुछ दवाई की बोतलें और रुई लेकर बैठी थी जो उसने सुबह खरीदी थी। वो नम आंखों से ईशान के पैरों और हाथों के घाव साफ कर रही थी। उसने रोते हुए कहा, इतने छोटे छोटे कांच के टुकड़े बड़ी मुश्किल से साफ हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है क्या? ईशान ने कहा, हाँ। आस्था ने कहा, कोई नहीं, अब सब साफ हो गया है, ये दवा खा लेना, दर्द कम हो जाएगा। ईशान दर्द से तड़प रहा था। ईशान के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे छलक रही थी। वहीं उसके पास में बैठी निराली उन्हें पोंछ रही थी। पोंछते पोंछते वो भी रो रही थी। उसे अब डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बस ईशान के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। ईशान जो कल रात ही लौटा था, अपने पूरे शरीर पर पट्टियां बांध कर आया था। उसने अपने नंगे पैरों में ना चाहते हुए भी जूते पहन लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि उसके नंगे पैरों के निशान देखकर कोई उसे ढूंढ ना ले। ईशान रूम में आकर बेहोश हो गया था। अपने पहले मर्डर का डर, आज हुआ सारा लड़ाई झगड़ा, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने पूरी लड़ाई सांसों की तकनीक की मदद से लड़ी थी, पर जब आस्था ने उसके घाव साफ किए तो वो दर्द से चीख पड़ा। आस्था अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें अब सिर्फ आराम करना चाहिए। अगर इन घावों को जल्दी से ठीक करना है तो तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। मैं पूछती हूँ, तुम्हें उन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? इसलिए तुम्हें चोट लगी है। अपने कंधे को देखो, कितना खून बहा है। अगर थोड़ा और नीचे घाव चला जाता तो तुम्हारा हाथ भी काटना पड़ सकता था। ईशान चुपचाप दर्द सहता रहा, पर कुछ बोला नहीं। इस अपनेपन से उसकी आंखें भर आई। लगभग 3 घंटे बाद आस्था ने आखिरकार ईशान के पैरों पर लगे घाव को
पूरी तरह से साफ कर दिया और पट्टी कर दी, उसके हाथों पर पट्टी कर दी। और फिर उसने ईशान से कहा, देखो अब तुम चुपचाप सो जाना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। ईशान ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, थैंक यू आस्था आंटी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। तभी पास में बैठी निराली बोलती है, ईशान भैया जब तक घर नहीं आए तब तक आपने मुझे और माँ को तो बिल्कुल डरा ही दिया था, मुझे लगा कि आप कहीं चले जाएंगे। ईशान ने कहा, निराली मासूम सी आवाज में कहती है, पता है सुबह जब माँ ने आपकी चोट देखी तो आपके कंधे और पैर पर सबसे ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए हमें थोड़ी राहत हुई कि तुम्हें कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है, पर अगली बार ऐसा मत करना, हमें तो लगा कि तुम चले ही जाओगे, मैं बहुत डर गई थी भैया। ईशान ने कहा, चिंता मत करो निराली, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। आस्था ईशान के लिए कुछ खाने का लेने चली गई। तभी निराली ने धीमी आवाज में ईशान से बोला, ईशान भैया मैं जानती हूं कि आप कौन हैं, मैंने आपके बारे में सारी जानकारी पता लगाई है, पर मैं एक बार आपसे जानना चाहती हूं। निराली की बातें सुनकर ईशान एक पल के लिए चौकन्ना हो गया। लगता है जब वो बीमार था तब जरूर निराली को कुछ पता चला है, लेकिन इन बातों से ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये लड़की जानती है कि वो कौन है। वो बस ये जानना चाहता था कि वो ये सब क्यों पता कर रही है। तभी ईशान ने कहा, आखिर तुम मुझे उस मशीनी दुनिया में इतनी ताकत से क्यों ढूंढ रही हो। निराली ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती हूँ कि मैं भी टाइम ट्रैवलर हूँ, उस दुनिया में मुझे अकेले रहना होता है जो काफी डरावना है, अगर वहाँ आप मुझे मिल गए तो मेरा डर खत्म हो जाएगा, मैं वहाँ अकेली हूँ भैया। ईशान फिलहाल इन बातों पर विचार नहीं करना चाहता था। उसने अपना सर घुमाया और अपने कंधे की ओर देखा जहाँ गोली छू कर गई थी। ये सब बातें उसे याद दिलाती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी उसे कुछ याद आया, उसने निराली से कहा, निराली तुम मुझे एक कागज और पेन लाकर दे सकती हो। निराली ने बोला, हाँ भैया अभी लाकर देती हूँ, वो मम्मा की बैग में होगा। निराली ने उसे लाकर कागज और पेन दिया। ईशान ने धीरे धीरे दो तकियों का सहारा लिया और दीवार से टिक कर बैठ गया। वो उस कोड को समझने की कोशिश करना चाहता था जो उसे TIV सदस्यों द्वारा मिला था। उसे समझने के लिए उसने अपने मोबाइल को ऑन किया और फिर अपने दिमाग पर जोर डाला। वो एक एक अक्षर को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मोबाइल पर देखा कि अगर सीधी उंगली से इशारा किया जाए तो वो एक बड़ा मैसेज होता है, और अगर छोटी उंगली से इशारा किया जाए तो एक छोटा मैसेज होता है, और ये पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है जो एक कोड लैंग्वेज से आगे की तरफ दिया जाता है। ईशान अचानक पता नहीं क्यों ये कोड पता करने लगता है। अपने दिमाग पर पूरा जोर डाल रहा था कि उसे कुछ याद आ जाए, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद आ रहा था कि मोहित जैसा इतना पैसे वाला आदमी भी TIV सदस्यों के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। ईशान ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने पेपर पर कुछ शब्द लिखना शुरू किए। उसने कागज पर अक्षर लिखे और एक पूरी लाइन बना ली जो एक TIV सदस्य ने अपने दूसरे साथी के लिए लिखे थे। वो लाइन थी, इस जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है, मेरे भाइयों अपना ध्यान रखना। ईशान उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और उस बारे में सोचने लगा। उसे ये तो समझ में आ गया था कि TIV का हर सदस्य मौत से नहीं डरता, उन्हें इसी के लिए तैयार किया जाता है। ईशान ने खिड़की के बाहर देखा, नीला आकाश, झरने की आवाज, हरे पहाड़, पूरा शहर पहले की तुलना में बहुत डल लग रहा था। इस खूबसूरत जगह ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों ने ईशान की उदासी को और बढ़ा दिया। उसने वो कागज का टुकड़ा मोड़ा और निराली से कहा, निराली इसे संभाल के मम्मी के पर्स में रख लो। निराली ने कहा, जी भैया। निराली ने वो कागज का टुकड़ा पर्स में रख लिया और उधर टिंचा फॉल की सड़कों पर काले सूट में जितेश राव पहाड़ी रास्तों के बीच धीरे धीरे चल रहा था। उसे जमीन पर एक के बाद एक खूनी पैरों के निशान दिख रहे थे।
जिससे वो पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सड़क पर गोलियों के निशान थे। उस जगह को देखकर पता चलता है कि पीछा करने वाले और हत्यारे के बीच यहीं पर मुठभेड़ हुई थी। टीआईबी को हथियारों से खून के दो अलग अलग नमूने मिले थे। उससे पता चलता है कि गैंगस्टर को मारने वाला नकाबपोश भी घायल हो गया था। जिस स्थान पर ईशान ने पत्थर फेंका था, उस स्थान पर खड़े होकर जितेश राव ने अपने पीछे आ रहे अविनाश अवस्थी से कहा, अविनाश, मुझे लगता है कि वो हाईवे पर घायल हो गया था और वो जानता था कि अगर वो हाईवे पर ही रहा तो गैंगस्टर को नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसने ये पहाड़ी रास्ता चुना और यहाँ आकर छुप गया और यहीं से उसका शिकार किया, अविनाश ने कहा। फिर उसने गैंगस्टर के ट्रक को टक्कर मार दी। उसका निशाना बहुत सटीक है सर, बस पर इतनी गोलियां थी जो बिल्कुल निशाने पर थी। वो वाकई में कमाल का है। जितेश राव ने पूछा, हमला करने का ये तरीका वाकई में बहुत अच्छा है। अविनाश, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई? अविनाश ने जवाब दिया, अभी रिपोर्ट्स तो आ गई है, पर वो डीएनए हमारी लाइब्रेरी में किसी से भी मैच नहीं कर रहा। जितेश राव ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और जांच करवाओ और हो सकता है हम उसके किसी रिश्तेदार को ढूंढ सके। अविनाश ने कहा, ठीक है सर, पर इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट्स मिल जाए। जितेश राव ने कहा, सुनो अविनाश, हमें एक काम और करना है। हमें टीआईबी के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो अकेले रह सके। अविनाश ने कहा, जी सर, पता करता हूं। ईशान आस्था और निराली के साथ टीचा फॉल पर ही रह रहा था और इस स्थिति में वो लोग शहर वापस नहीं जाना चाहते थे। ईशान अभी भी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और आस्था भी चाहती थी इतना सब कुछ होने के बाद ईशान शांति से यहां रहे, शहर के शोर शराबे से दूर। आस्था ईशान के घाव पर फिर से दवा लगा रही थी और लगाते लगाते बोली, अगर मुझे पता होता कि तुम इतना घायल हो जाओगे तो मैं मशीनी दुनिया से तुम्हारे लिए विशेष दवाई लेकर आती। वो दवाएं यहाँ की दवाइयों से कई बेहतर है। एक छोटी सी बोतल तुम्हें बहुत आराम देती है। अब की बार अगर मैं गई तो जरूर लेकर आऊंगी। ईशान ने कहा, ठीक है आंटी, लेकिन अब दर्द काफी कम हो गया है। आस्था खुश होकर बोली, बहुत बढ़िया। ईशान, एक बात पूछनी थी, तुम जब वापस यहाँ आ रहे थे तो घटनास्थल पर तुम्हारे खून के निशान छूट गए थे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारे डीएनए के माध्यम से ढूंढ सकता है। हालांकि तुम्हारा डीएनए अभी तक किसी से मैच नहीं हुआ है। हम तो जानते हैं कि तुम्हारे पिता हिरासत में है और उनका ब्लड सैंपल जरूर लिया गया होगा, क्योंकि आजकल हिरासत में लेने के बाद सबसे पहले ब्लड सैंपल्स ही लिए जाते हैं। ईशान ने ये बात सुनी और अपना सिर हिलाया और वो कुछ सोचता रहा। आस्था ने ईशान को देखा और थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसे लगा कि ईशान उससे कुछ छुपा रहा है। आस्था ने उससे फिर पूछा, लेकिन ईशान शायद कुछ कहना नहीं चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ये सब बातें जानता हूं। ईशान जानता था कि पूरी घटना में दो सबसे मेन लोग हैं जो ईशान की पहचान को आउट कर सकते हैं। पहला मनन गुप्ता और दूसरा था ब्लड सैंपल। लेकिन ईशान का मानना था कि मनन गुप्ता कम से कम इतना तो होशियार है कि वो टीआईबी वालों को निश्चित रूप से भ्रमित करेगा। वो जरूर ऐसी कुछ जानकारी देगा जो टीआईबी वालों को गुमराह करेगी। ईशान सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि टीआईबी पुराने किसी मामले में कुछ ढूंढ पाएगी। अगर ऐसा होता तो मैं नंगे पैर लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करता। ईशान ये सब बातें सोच रहा था और आस्था उसे देख रही थी। तभी आस्था ने उसे टोका, ईशान। ईशान ने कहा, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? मुझे कुछ जरूरी काम करना है। आस्था ने कहा, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं निराली को थोड़ा बाहर घुमा कर ले आती हूँ। और हाँ, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो हमें बुला लेना। ओके, ईशान ने कहा। निराली आस्था के जाने के बाद ईशान ने अपना मोबाइल फोन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट निकाला जो अक्षय सिंह के मैसेजों से भरा हुआ था। उसने एक एक करके मैसेजेस सुनना शुरू किया। अक्षय का मैसेज था, बॉस, आप लोग कमाल के हैं। आप लोगों ने गैंगस्टरों का सफाया कर दिया।
आज आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में आप लोगों का ये एहसान नहीं चुका सकता। मैं आपके लिए आग और पानी से लड़ूंगा। मैं जो कुछ कर सकता हूँ आपके लिए करूंगा। इस रात के बाद मुझे आपसे प्यार हो गया बॉस। मैं फ्यूचर की चिंता नहीं करता। मैं आपके लिए सारे रिस्क उठाऊंगा। बस आप एक ऑर्डर दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। आप सही माने मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बॉस आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बॉस हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। कल मैं स्कूल में मोहित और जैद से मिलूंगा। मैं पैसे वापस पाने में आपकी मदद करूंगा। ईशान अक्षय के सारे मैसेज सुन रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 9 बजे थे। उल्टी गिनती 39 घंटे। क्या TIB ईशान तक पहुंच पाएगी? आस्था और निराली ईशान का साथ कब तक देंगे? क्या अक्षय सिंह ईशान से मिल पाएगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। ईशान ने अक्षय को मैसेज किया, हेलो अक्षय, मैं अभी उठा हूं, मैं अपने लोगों से बात करूंगा। अक्षय सिंह अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ वहीं खड़ा था। वो ईशान के अगले मैसेज का इंतजार कर रहा था, लेकिन ईशान मैसेज करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने अपना फोन चालू किया। उसके मोबाइल पर कई सारी बातें हो रही थी। सब लोग यही बात कर रहे थे, अक्षय सिंह को किसी रहस्यमयी साथी ने बचा लिया। हालांकि अक्षय इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। और उसने देखा स्टडी कमेटी के मेंबर निखिल इमोशनल होकर सबको बोला, हम अक्षय से माफी मांगना चाहेंगे कि उन्होंने गैंगस्टर्स के आने के पहले ही हमें चेतावनी दी थी, पर हमने अक्षय की बात नहीं मानी, उल्टा उसका मजाक बनाया। हम अपने बर्ताव पर शर्मिंदा है। ये बात सुनकर सबने ताली बजाई। एक लड़की ने कहा, गैंगस्टर ने उसके सिर पर बंदूक भी लगा रखी थी और उससे पूछा था कि उसका साथी कहाँ है, पर अक्षय बिल्कुल सख्त बना रहा और कोई भी जानकारी नहीं दी। दरअसल वो लड़की नहीं जानती थी कि अक्षय खुद उसको नहीं जानता था कि उसका साथी इस समय कहाँ है और क्या कर रहा होगा। तभी चिंकी बोली, वो गैंगस्टर हम लोगों को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रहस्यमय व्यक्ति सही समय पर वहां आ गया और हमें बचा लिया। उसने पहले उस गैंगस्टर को मारा जो हमें ले जा रहा था, और फिर उसने उस गैंगस्टर को भी मार डाला जिसने अक्षय सिंह को पकड़ रखा था। हम सब अक्षय सिंह और अक्षय सिंह के साथ वाले उस मास्क वाले आदमी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसने ना केवल हमें ही बचाया बल्कि 2 TIB सदस्यों की मौत का भी बदला लिया। पर जैसे ही उन बलिदान देने वाले TIB सदस्यों की बात हुई, सब लोग चुप हो गए, क्योंकि काफी सारे लोग हमेशा के लिए बिछड़ गए थे और ये दुख की बात थी। इधर ईशान सोच रहा था कि मोहित का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब जब अक्षय सिंह इतना फेमस हो गया है तो वो कुछ ना कुछ तो लोगों के दिल जीतने के लिए कर सकता है। अब अक्षय सिंह के साथ मिलकर व्यापार करना ज्यादा अच्छा होगा। वो जरूर उसकी मदद करेगा। उसने चैट बंद कर दी और दूसरे न्यूज देखने लगा। टिंचा फॉल वाली खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह टिंचा फॉल की ही खबरें दिखाई जा रही थी। सब कुछ टिंचा फॉल की वीडियो और खबरों से भरे हुए थे। पर इस घटना में केवल आगजनी की ही बात ज्यादा दिखाई जा रही थी। उन्हें केवल TIB के ID से पता चला कि आगजनी करने वाले मारे गए थे और टाइम ट्रैवलर्स के अपहरण का मामला अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। सब ये समझ गए थे कि ये पूरा मामला टाइम ट्रैवलर के अपहरण के ही कारण था, लेकिन कहीं भी मास्क वाले हथियारे का कोई भी उल्लेख नहीं था जिसने गैंगस्टर्स को मारा था। ईशान इस बात को अच्छी तरह से छुपा गया था और वो जानता था कि उसको जानने वाले लोग उसे इंटरनेट पर उजागर नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए मनन गुप्ता, पार्किंग वाली शेडो गर्ल, निराली और आस्था। आज वीकेंड पर काफी सारे टूरिस्ट टिंचा फॉल घूमने आते हैं। जब उन लोगों ने ये समाचार सुने तो उन्होंने अपने अपने टिकट कैंसिल करवा दिए। टिंचा फॉल पर सुबह सुबह सूर्योदय देखने के लिए बहुत भीड़ आती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह की पहली बस में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन आज सभी बसें खाली पड़ी थी। ईशान ने सोचा
कि निराली और आस्था के अलावा कोई भी नहीं है जो उसकी पहचान बता सकता है। तभी उसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद आई, सोने की ईंटें। कल रात मची आपाधापी में मोहित ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, उसे अन्य लोग भूल सकते हैं, घबराहट में अनदेखा भी कर सकते हैं, लेकिन ईशान ऐसा नहीं करेगा। अब उसके दिमाग में सोने की ईंटें बहुत ही खास रूप से घुस गई थी। ईशान ने सोचा, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा और अक्षय सिंह से मिलना होगा। उधर अक्षय सिंह अपने दोस्तों के साथ थर्ड आई अस्पताल पहुंचा। ये उज्जैन के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है। कल रात ही मोहित और जैद यहाँ एडमिट हुए थे। उन्होंने अपने घावों का इलाज पहले लोकल अस्पताल में करवाया था, वहां से ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। अभी उनकी हालत ठीक थी, लेकिन वो फिर भी आईसीयू में ही रह रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर, सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध की थी, और सुबह ही उनके माता पिता प्राइवेट व्हीकल से उज्जैन पहुंच गए थे। वो सब लोग उनके वार्ड के बाहर ही बैठे हुए थे। जब अक्षय सिंह और उसके साथी वार्ड के दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा काले सूट में 6-7 लोग वार्ड के दरवाजे के बाहर खड़े और सब ने अपने कानों पर हेडसेट लगा रखे। अक्षय और उसके दोस्त मोहित से मिलने के लिए उसके वार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तब यह बॉडीगार्ड उन्हें रोक देता है। ए सुनो, किधर जा रहे हो? रुको! अक्षय और बाकी लोग रुक जाते हैं। तभी वहां पर बैठे एक आदमी ने उनकी ओर देखा। वो उनके पास आया और उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? अक्षय ने जवाब दिया, हेलो अंकल, हम लोग मोहित से मिलने आए हैं, क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी, जो और कोई नहीं मोहित के फादर है, उन्होंने पूछा, ये अक्षय सिंह कौन है? अपना नाम सुनकर अक्षय सिंह दंग रह गया। उसने घबराहट से एकदम से कहा, जी मैं ही अक्षय सिंह हूँ। आदमी ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अगर नहीं होते तो उनकी जान नहीं बच पाती। मोहित ने मुझे बताया कि अगर तुम नहीं होते तो उसे गैंगस्टर उठा ले जाते या मार देते। अक्षय सिंह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उनका हाथ पकड़कर बोला, अंकल मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे जवान लोगों के लिए विनम्र होना अच्छा है, लेकिन ज्यादा विनम्र होना भी अच्छा नहीं होता। दरअसल जब सुबह सुबह मोहित को होश आया तो उसने जो कुछ हुआ उसकी ऊपरी ऊपरी डिटेल दी थी। मोहित के फादर जैसे बड़े बिजनेसमैन को टाइम ट्रैवलर से ज्यादा खतरा नहीं था। बाहर खड़े 7 बॉडीगार्ड्स में से एक टाइम ट्रैवलर भी था। इस प्रकार का व्यक्ति भले ही बोलता ना हो, लेकिन उसका अपना एक ऑरा होता है। एक साधारण टाइम ट्रैवलर उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन जब 7वें शहर में मोहित के चारों ओर खतरा हुआ तो उनकी सोच बदल गई थी। वो समझ गए थे कि इस दुनिया में चाहे उनके पास कितनी भी दौलत और रुपया हो, लेकिन मशीनी दुनिया में वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। असली दुनिया की दौलत से मशीनी दुनिया में बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असली दुनिया की दौलत से मशीनी दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए वो मोहित को उज्जैन भेजने के लिए तैयार हुए थे। उन्हें पता चला था कि अक्षय सिंह नाम का एक टाइम ट्रैवलर है जो उज्जैन में रहता है, और अक्षय सिंह ही ऐसा है जो मशीनी दुनिया से कई बार वापस आया है और उसकी वहां पर काफी जान पहचान है। मोहित के फादर एक बिजनेसमैन थे। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि भले ही अक्षय सिंह अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अक्षय सिंह का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि अभी अभी हजारों की गिनती में टाइम ट्रैवलिंग शुरू हुई है। कौन जानता है कि भविष्य में मशीनी दुनिया में क्या क्या हो सकता है। लेकिन वो जानते थे कि भविष्य में अगर वो मशीनी दुनिया में इन्वेस्ट करे तो काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन शायद अगर उन्होंने अक्षय सिंह को किसी संकट के सामने देखा होता तो वो अपना नजरिया जरूर बदल लेते। मोहित के फादर ने अक्षय से कहा, मैंने आज सुबह मोहित से बात की, मैंने उसे समझाया कि यहाँ पर उसके लिए खतरा है, अगर वो चाहे तो मैं उसे भोपाल के किसी अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन दिला सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उस स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा।
मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अमीर लोगों के लिए ऐसा काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग ये सोच रहे थे कि अक्षय सिंह के पास कैसे जाएं, लेकिन मोहित के पिता सोच रहे थे कि वो अक्षय सिंह को कैसे अपने साथ ले जाएं। हालांकि अक्षय सिंह ने कहा, अंकल मेरा भी भोपाल जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं उज्जैन में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पर मेरे दोस्त है, माता पिता है, तो मैं ये शहर छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। मोहित के फादर ने कहा, देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भोपाल में घर तैयार करवा दूंगा, जहाँ पर तुम अपने माता पिता के साथ रह सकते हो, और मैं तुम्हें वहाँ रहने के पैसे भी दूंगा। अक्षय एकदम अड़के बोला, नहीं अंकल, आपके एहसान के लिए शुक्रिया। जब अक्षय सिंह और मोहित के पिता ये सब बात कर रहे थे, तभी अक्षय के कम्युनिकेटर पर वाइब्रेशंस हुए। अक्षय सिंह ने कहा, माफ करना अंकल, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ। अक्षय भागकर बाथरूम में गया और उसने सबसे पहले अपना कम्युनिकेटर चालू किया। वहां पर ईशान का एक मैसेज आया हुआ था। उसने मैसेज सुना, मैंने सुना है कि पिछली बार मोहित ने अपने सभी लोगों को दुगना इनाम दिया है, क्या इस बार भी दुगना होगा? क्या मिला तुम्हें मुझे धोखा देकर? अक्षय सिंह ने ये बात सुनी और अक्षय सिंह जो अभी तक खुश था, अचानक ही उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कोई नहीं जानता था कि कल रात क्या घटनाएं घटी है। उसने बाथरूम से ही उदास होकर जवाब दिया। अक्षय ने मैसेज किया, भाई अगली बार दूसरी दुनिया से आते समय मैं तुम्हारे लिए सोने की ईंटें ले आऊंगा। अक्षय सिंह काफी देर से बाथरूम के अंदर ही था, पर बाकी सब लोग बाथरूम के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक से अक्षय सिंह दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मोहित के पापा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय मैंने अभी अभी सोचा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये सब घर बार यह सब चीज पसंद नहीं होगे। मैं जानता हूं कि तुम जैसे यंग लोगों को रोमांचक चीज पसंद आती है। एक काम करो, तुम्हें जो जो चाहिए उसके लिस्ट तो मुझे दे दो, तुम्हारा ये अंकल तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर देगा, क्या बोलते हो? अक्षय सिंह तो थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये बोलकर अक्षय सिंह वहां से चला जाता है। मोहित के पिता अक्षय को जाते हुए देखते रहे, फिर मुड़े और धीरे से मोहित के रूम में चले गए और मोहित के पास जाकर बैठ गए। मोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोला, पापा आप अक्षय सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? मोहित के पापा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी नहीं बता सकता। मोहित फिर बोला, पापा मैंने पहले कभी भी ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं किया, पर अक्षय पर मुझे कम भरोसा है, क्योंकि उसके पास पहले से ही ताकत की दवा थी, फिर भी मुझे लगा कि वो हमारी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। आपको क्या लगता है, ऐसे आदमी को अजीत जैसा आदमी इंपॉर्टेंस देगा? मोहित के पापा ने कहा, देखो बेटा तुम्हारी बातों में दो स्थितियां हैं। क्या तुम जानते हो हिस्ट्री में ऐसे कितने ही कमजोर योद्धा हैं जिन्हें देखकर कभी कोई नहीं कह सकता था कि वो ताकतवर होंगे, लेकिन उन्होंने जरूरत पड़ने पर वो जंग के मैदान में किसी बाहुबली से कम नहीं होते थे। दूसरी स्थिति यह है कि कहीं उसे कोई कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा हो। मोहित ने हैरानी से पूछा, पापा आपको क्या लगता है किस स्थिति की संभावना सबसे ज्यादा है? मोहित के पापा ने कहा, बेटा इतनी जल्दी कोई भी कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं है। अक्षय सिंह चाहे किसी भी तरह का हो, वो आपके लिए एक अवसर है। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम्हारे बड़े भाई ने व्यापार संभाला है तुम्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आप यंग हैं, भविष्य में आपके भाई को आपकी मदद की जरूरत होगी, उस दिन के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। क्या होगा अक्षय सिंह का भविष्य? क्या ईशान मोहित से मिलने की कोशिश करेगा? क्या होगी मोहित के पिता की अगली चाल? क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मड आइलैंड मुंबई, अक्सा बीच के बगल में रिट्रीट होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर
एक लड़की अपनी खिड़की के पास चेयर पर बैठी हुई थी। उसने हरे रंग का स्कर्ट और व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है। वो अपने फोन में कुछ देख रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशा है। टाइम ट्रैवलर की किडनैप होने की खबर उस आइलैंड में भी काफी जोर शोर से फैल चुकी है। चारों तरफ लोग इस खबर के बारे में बातें कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त लगभग 100 टाइम ट्रैवलर्स का मर्डर भी हो जाता है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती उनके मशीनी अंग छीन लिए हैं, तो कुछ लोगों के दोस्त उनकी दवाई वापस लेने के लिए उनकी जान ले लेते हैं। ये सारी चीज देखकर ईशा को बहुत अजीब लग रहा होता है। वैसे तो वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कब और कैसे वो इन चीजों में आकर फंस गई। असल दुनिया में उसे हर वक्त ये डर बैठा रहता है कि कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि वो भी एक टाइम ट्रैवलर है, और मशीनी दुनिया में उसे शूरवीर परिवार से बच के रहना पड़ता है कि कहीं वो इसके पीछे ना पड़ जाए। कुछ दिन पहले ही शूरवीर परिवार वालों ने अपने फैमिली के अंदर ही बहुत ही अजीब से इन्वेस्टिगेशन रखे थे, जिसमें वो टाइम ट्रैवलर्स को टॉर्चर कर रहे थे। जब से ईशा के माँ बाप की डेथ हुई है, वो अकेले ही रह रही है, इसलिए उसे कोई भी जानकारी पता करवाने में काफी लंबा वक्त लगता है। शादी के बंधनों की वजह से ईशा को 18वीं सिटी में लाया गया है ताकि वो अपने होने वाले पति ईशान से मिल पाए। शूरवीर फैमिली इस शादी को लेकर काफी ज्यादा जल्दी में है। वो शादी के बाद होने वाले फायदे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो ईशा को ज्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं। शादी के बारे में सोचते ही ईशा ने तुरंत अपने फोन के सर्च इंजन पर ईशान का नाम डाला, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ खास जानकारी उसे नहीं मिली। ईशा मन ही मन सोचती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी भी नहीं पता कि वो लड़का टाइम ट्रैवलर है भी या नहीं। मैंने उसे आखिरी बार तो नहीं देखा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे इस बार भी देख पाऊंगी या नहीं। मैं उससे मिलने के लिए बार बार वहां जाती हूँ, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उसे पसंद करती हूँ। भाड़ में जाए वो, अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अब मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं उस फैमिली के पास नहीं जाऊंगी तो फिर मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। देर रात को मुंबई के समुद्र की लहरों के साथ ईशा का दिमाग उसे समुद्र में गोते लगवा रहा था। ईशान का काउंटडाउन जीरो पर चला जाता है। ईशान उस दुनिया में पहुंच जाता है। वो जाकर फिर से उसी जेल में गिरता है। आखिरी बार यहां से जाते वक्त वो खड़ा था, इसलिए लौटते वक्त भी वो यहां पर अपने पैरों के सहारे ही गिरा, जिसकी वजह से उसके घुटनों में चोट लग गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ईशान इस चोट के लिए मेंटली प्रिपेयर था, इसलिए उसने खुद को ज्यादा चोट लगने नहीं दिया। उसने खुद को सीधा किया और फिर अपने हाथ में लगी घड़ी की तरफ देखा। वापस जाने का काउंटडाउन 167 hours 59 minutes 55 seconds। विनीत रोनित से बोलता है, वो वापस आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने ज्यादा चोट लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वापस आ चुका है। रोनित कहता है, मौत और जिंदगी से ज्यादा सीरियस कुछ नहीं होता। अगर आपकी सांसें चल रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक है। बाकी चीज तो होती ही रहती है। रोनित ने ईशान के सामने एक कुर्सी सीधी करके रखी। रोनित बोला, बैठो इस पर, फिर बात करते हैं। ये देखकर ईशान जोर जोर से हंसने लगा कि रोनित ने उसके लिए कुर्सी इसीलिए रखी थी क्योंकि उसे लगा था कि ईशान के पैरों में चोट लग जाएगा और वो खड़े रहने के लायक नहीं बचेगा। पर ईशान को हंसी आ गई क्योंकि जैसा उन लोगों ने उम्मीद किया था, ईशान को इतनी चोट नहीं आई थी। अजीत का आंकड़ा ईशान को लेकर बिल्कुल सही था। अजीत ने ईशान से कहा, तुम अभी जवान हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है जिंदगी में। फिर भी मैं कहूंगा कि ज्यादा लापरवाही मत करना, क्योंकि एक उम्र गुजर जाने के बाद हमें एहसास होता है कि काश हमने थोड़ी परवाह की होती तो आज सब कुछ बेहतर होता। ईशान उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रोनित बोला, अपने जूते और जैकेट निकाल दो, दिखाओ कितना चोट लगा है तुम्हें। विनीत ने पहले से ही तुम्हारे लिए दवाई लाकर रखी है। जब उन लोगों ने ईशान के पैर में घाव के निशान और कंधे पर खून के धब्बे देखे तो वो समझ गए कि लड़का दो दिन से किन दर्द से गुजर रहा होगा। उसके पैर के निशान इस बात की गवाही थी कि ईशान ने इन दो दिनों में काफी दूर तक नंगे पांव चलने के इसने जख्म लिए हैं। और
उसके कंधे पर पड़े खून के धब्बे इस बात के निशानी थे कि किसी ने उसके ऊपर बंदूक से अटैक किया है। एक टीनेजर बच्चे के लिए खतरा काफी बड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ईशान वहां से वापस लौट आया है। विनीत ने खुश होते हुए कहा, बधाई हो, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। रोनित ने पूछा, ईशान किसने तुम्हें यह घाव दिया है? मुझे ऐसा लगा था कि तुम जब यहां आओगे तो मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतनी देर तक नंगे पांव चले होगे तो बहुत सारी चोट होगी तुम्हारे पैर में। लेकिन तुम्हारे इस घाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी बॉडी को बहुत लाइट रखा है। ईशान ने कहा, हाँ मैंने ट्रेनिंग को पूरी तरह से यूज किया है। रोनित ने ईशान का जवाब सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका पूरा ध्यान ईशान के शरीर पे दवाई लगाने पर था। ईशान के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मशीनी दुनिया की दवाई से वो तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे तो और भी ज्यादा जलन हो रही थी। विनीत बोला, अरे रुको रुको, थोड़ा सब्र रखो, इतनी जल्दी कोई भी घाव ठीक नहीं होता, और अगर जल्दी ठीक करना है तो थोड़ी बहुत जलन तो सहनी ही पड़ेगी। अजीत ने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास दुश्मन है, तुमने कितने को मारा? ईशान ने कहा, मैंने 6 को मारा। रोनित ने विनीत की तरफ देखा और कहा, चलो पैसे निकालो, शर्त के हिसाब से अगर 4 से ज्यादा को मारेगा तो तुम मुझे पैसे दोगे। विनीत ने टोका, बस बस अभी थोड़ा सा रुको, तुमने कहा था कि 5 गैंगस्टर है, पर तो तुमने 6 को कैसे मार दिया? तुमने पैसे जितवाने के लिए अपने क्लासमेट को मार दिया था क्या? ईशान ने कहा, नहीं नहीं, पता नहीं कैसे वो गैंगस्टर की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई थी, इस बारे में कुछ खास पता नहीं था। वैसे आप लोगों ने कितने की शर्त लगाई थी, यानी कि मतलब मैं कितनों को मार डालूंगा? विनीत बोला, 3। मैंने सोचा था कि तुम 3 को मार डालोगे, क्योंकि तुम्हारा पहला वार था ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी को भी मारते वक्त जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ था क्या? ये सवाल सुनते ही अजीत ईशान की तरफ ध्यान से देखने लगा। वो इसका जवाब सुनने के लिए एक्साइटेड था। ईशान बोला, वैसे ये कहते हुए थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन हाँ, जब मैंने पहले वाले आदमी को मारा था तो मेरे हाथों में खून लगा था, वो देखकर मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था। ऐसा मन हो रहा था कि जैसे मैं वहां से भाग जाऊं, मुझे डर लग रहा था। अजीत ने कहा, ये तो नॉर्मल है, अगर तुम्हें हेजिटेशन नहीं होता तब मुझे थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि मैंने भले ही तुम्हें यह सिखाया है कि तुम्हें दुनिया से निडर होकर लड़ना है, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गिल्ट तो होनी ही चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्टनेस तो होनी ही चाहिए। ईशान बोला, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। अजीत ने पूछा, ये बताओ कि इस बार तुम्हारे आने के पीछे का मकसद क्या है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ईशान ने कहा, अभी 2 इंपॉर्टेंट काम करना बाकी है, जिसमें से पहले तो मैं अभी पहले वाला काम सॉल्व करूंगा। ईशान ने अच्छे तरीके से दवाई लगा ली थी, इसीलिए वो जूता पहनकर रूम की तरफ जाने लगा। पहले तो वो बहुत ही अजीब चल रहा था, लेकिन फिर वो अपने नॉर्मल चाल में वापस आ गया। विनीत ने कहा, अजीब पागल लड़का है, पैर में चोट लगी है फिर भी उसे चलना है, लेकिन अच्छी बात है, जितनी तकलीफ वो सहेगा उतना ही तकलीफ लोगों को देगा। ईशान ने फिर से अपने चेहरे पर वो मास्क लगा लिया। जैसे ही कन्फाइनमेंट रूम का दरवाजा खुला, अक्षय सिंह ने अंदर से उसे 3 सोने के सिक्के निकाल कर दिए। वैसे ईशान वहां पर सोने के सिक्के लेने नहीं गया था, वो अक्षय सिंह से कुछ जानने गया था। ईशान ने अक्षय से कहा, ये बताओ कि तुम्हारी गलतियां कहां कहां थी? अक्षय ने कहा, मुझे ज्यादा लंबे वक्त तक कम्युनिकेटर को नहीं देखना चाहिए था, मुझे अकेले नहीं भागना चाहिए था, और मुझे वो सोने के सिक्के निकाल लेने चाहिए थे। ईशान बोला, मैंने सुना है कि वो TIB वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये बताओ कि उन्होंने तुमसे क्या कहा? ईशान का यह सवाल सुनकर अक्षय सिंह को बहुत अजीब लगा, क्योंकि इसे यहां बैठे बैठे बाहर की दुनिया के बारे में कैसे इतना कुछ पता है कि TIB के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अक्षय सिंह ने कहा, उन्होंने मुझसे बस तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उनका इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें उस जगह पर एक फोन मिला था, उस गैंगस्टर को मारने से पहले कॉल आया था,
पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो फोन किसने किया था। इस वक्त अक्षय की नजर अचानक से ईशान के पैरों की तरफ जाती है। अक्षय को याद आता है कि टीआईबी के ऑफिसर्स ने कहा था कि जिसने भी इन गैंगस्टर्स का मर्डर किया है उसके पैर में भी चोट आई होगी, पर ईशान के हाव भाव से अक्षय को ऐसा लगा जैसे उस हादसे के वक्त वो टिंचा फॉल पर था ही नहीं। ईशान ने पूछा, तुम्हें उस मोबाइल फोन के बारे में और क्या क्या पता है? अक्षय सिंह ने कहा, उस मोबाइल फोन में कुछ फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं और टीआईबी के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि वो कॉल मर्डरर ने उठाया था। वो टीआईबी वाले मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि उसे कॉल करने वाले आदमी ने उन गैंगस्टर से क्या कहा था और वो है कौन, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वही आदमी निकिता को एक अंदरूनी खबरी की तरह सबके सामने पेश कर रहा है, लेकिन वो खुद इन सब के पीछे छुपा हुआ है और उन्हें डर है कि उसका इंटेंशन बहुत बड़ा है। बॉस, आप अपने बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताते हैं? ईशान ने कहा, क्या और भी कुछ है ऐसा जो कहना चाहते हो? ईशान को ऐसा लगा जैसे अब वो अक्षय से इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं निकलवा सकता है। अक्षय सिंह ने कहा, क्या आप सच में मुझे मारना चाहते हैं? क्या सच में आप चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी शब्द बोलूं? बताइए। ईशान ने बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें रखने की जरूरत है? तुम्हें रख के क्या फायदा होगा मेरा? अक्षय सिंह ने कहा, भैया देखिए, मेरे पास जितने भी सोने के सिक्के थे मैं वो सब लेकर आ चुका हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं आगे से भविष्य में अपने तरफ से बेस्ट करूंगा। मैं आपके काम आ सकता हूं। आप मेरा इस्तेमाल करके उन टाइम ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और मैं आपका पपेट बनकर आपके लिए काम करूंगा। अक्षय सिंह को साफ साफ पता था कि अगर अभी उसके बॉस ने उसकी जान ले ली तो दुनिया में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर वो मर कैसे गया। ईशान बोला, ये सब कुछ कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है और एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी कुछ गलत करोगे तो तुम्हें उसके बदले एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम तो अभी एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं कि यह दुनिया बहुत जालिम है और तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ सकता है। अब जब तुम इस खेल में शामिल हो चुके हो तब धीरे धीरे तुम्हें सारे रूल्स पता चल ही जाएंगे। ये कहकर ईशान बिना कुछ किए वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर विनीत और रौनित उस कन्फाइनमेंट रूम में आते हैं और फिर अक्षय को एक काले रंग के बॉक्स में डाल देते हैं जहां पर ईशान का भी टेस्ट हुआ था। ईशान का मकसद उसकी या किसी की जान लेना नहीं था और ना ही उससे किसी का बदला लेना था। वो बस अक्षय को उसकी गलती की सजा देना चाहता था। क्या ईशान अपनी अच्छाई छोड़कर खूंखार आदमी में बदल जाएगा? क्या ईशा ईशान से मिल पाएगी? क्या अक्षय सिंह अब सचमुच ईशान के लिए काम करेगा? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से। अक्षय सिंह ईशान से रिक्वेस्ट करता रह गया लेकिन ईशान ने उसकी एक ना सुनी। जैसे कि अजीत ने कहा था, ईशान ने सख्त होना सीख लिया था। अब चाहे उसके सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, ईशान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रौनित ने कहा, कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें वक्त के हिसाब से सख्त और नरम होना पड़ता है, लेकिन अंत में सिर्फ यही मैटर करता है कि आपका फैसला सही हो, बस। ईशान ने कहा, लेकिन इस अक्षय सिंह के साथ बहुत सारी दिक्कत है, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इसे ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दूं। रौनित बोला, क्यों छोड़ना चाहते हो इसे? अगर तुम्हें उस दुनिया में कोई एजेंट चाहिए तो उसके लिए अक्षय सिंह से सूटेबल और कोई नहीं होगा। वो बहुत भोला है और बहुत लालची भी, पर उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो खुद से अपना दिमाग लगा सके और ना ही उसके पास इतनी हिम्मत है। लेकिन अगर तुम उसे ये बता सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना होगा तो तुम्हारे लिए वो एक अच्छा पपेट बन सकता है। ईशान को रौनित की बात थोड़ी सही लगी। ईशान इस बारे में सोचता है। रौनित ने कहा, चलो तुम्हारा पहला मसला तो सॉल्व हो गया, अब ये बताओ कि तुम्हारा दूसरा मसला क्या है? ईशान बोला, मुझे किसी की शिकायत दूर करनी है और कुछ सवाल पूछना है। काउंटडाउन 163 घंटे। ईशान को यहां आए हुए बस 5 घंटे हो चुके थे और अब यहां आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे शाम होने वाली है।
9th जिले के सिटी नंबर 7 में एक आदमी व्हीलचेयर को धक्का लगा रहा है। उस व्हीलचेयर पर एक लंबे बालों वाली लड़की बैठी हुई है जिसके पैर में चोट लगी हुई है। वो लोग बिल्डिंग के बगल वाले अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। वो लगभग असली दुनिया के जैसा लग रहा था। जब जब उस लड़की का जूता जमीन पर टकरा रहा था तब तब उसके जूते की आवाज आ रही थी। उसी सड़क किनारे कई सारे भिखारी चादर बिछाकर जमीन पर लेटे हुए थे। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इस शहर का सबसे गरीब इलाका है। वहां मौजूद सारी चीज की हालत बिल्कुल खराब थी। हर तरफ दीवारों पर खिलाफत के स्लोगन लिखे हुए थे। एक तरफ आसमान में जितनी शांति छा गई थी उसके तुलना में जमीन पर उतनी ही हलचल मची हुई थी। वो लड़की अपने चारों तरफ देख रही थी। उसके चेहरे का भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी पैनिक कर रही है। पीछे से किसी की आवाज आती है, निकिता। आवाज सुनकर निकिता पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे मोहित और जैद खड़े थे। वो लोग भी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे का रंग भी काफी उतरा हुआ था। जो लोग मोहित और जैद की व्हीलचेयर को धक्का दे रहे थे वो उनके परिवार द्वारा हायर किए गए वॉकर थे। मोहित और जैद की जो भी परेशानियां थी उन्हें सुलझाने में ये लोग उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ उनके डेली रूटीन में उनकी मदद कर सकते थे। मोहित ने कहा, तुम अकेले चली गई थी? क्यों चली गई थी? तुम्हें डर था कि यहां तुम्हें हमारा सामना करना पड़ जाएगा? निकिता खामोश रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। प्लान के मुताबिक उससे शहर के बाहर से एक प्लेन लेना था और सिटी नंबर 3 में जाना था। उसका असल प्लान ये था कि वो लोग वहां से 18 नंबर सिटी में जाएंगे, लेकिन अब उसके पास यहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और वैसे भी उसके यहां से भागने में उसके पेरेंट्स का हाथ था। उसके पेरेंट्स ने उसे यहां से भगाने के लिए काफी बड़ी रकम भी दी थी। निकिता ने पूछा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? मोहित ने कहा, तुम यहां से जाने के लिए अपने ह्यूमन वॉकर का इंतजार कर रही थी जिसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए हायर किया था, जो तुम्हें यहां से कार में बिठाता और तुम्हें यहां से लेकर जाता। लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे तुम्हारे ये वॉकर पहले मिल गए और मैंने उन्हें ज्यादा पैसे देकर तुम्हें यहां लाने के लिए कह दिया। तुम्हें ढूंढने से ज्यादा आसान था उन्हें ढूंढना। मोहित की बात सुनने के बाद निकिता के ह्यूमन वॉकर ने धीरे से उसके कान में सॉरी कहा। मोहित निकिता पर चिल्लाया, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? हम लोग एक साल से एक दूसरे के साथ थे, यहां तक कि हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। निकिता ने गुस्से में कहा, तुम ये बताओ कि मैंने गलत क्या किया? तुम लोगों ने मुझे उस दिन अकेला छोड़ दिया था। मोहित समझ रहा था कि निकिता किस दिन की बात कर रही है। निकिता उस दिन आस्था के घर वाली बात कर रही थी। उस दिन निकिता को सबसे पहले होश आया था और सबसे पहले गैंगस्टर ने उसका ही इंटरोगेशन किया था। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि प्रेशर में आकर उसने उनको बता दिया था कि वो चारों टाइम ट्रैवलर है और उसके बाद वो बहुत रोई थी और उनसे अपनी जान की भीख भी मांग रही थी। बाद में जब उन तीनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि निकिता अपनी जान की भीख मांग रही है। मोहित ने कहा, हम में से किसी ने भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। हम तुमसे इसलिए उस वक्त कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। हम तुम्हें तुम्हारे लिए वक्त दे रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि हम सारा दोष तुम पर डाल रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद तुमने चिंकी से कहा कि तुम वहां से जाना चाहती हो, तो हमें लगा कि तुम्हें रिलैक्स करने के लिए थोड़ा अकेला स्पेस चाहिए, इसलिए हमने प्लानिंग चेंज कर ली। निकिता चिल्लाकर, ओ प्लीज, तुम लोग मेरे साथ हो, अब इस चीज को दिखाने का नाटक मत करो। तुम लोगों में से किसी को भी मेरा ख्याल नहीं था, बस एक चिंकी ही थी जो मेरे बारे में सोच रही थी। उस दिन जो कुछ भी हादसा हुआ उसके बाद उसने भी मुझसे कहा कि वो हम लोगों को छोड़कर अकेले रहना चाहती है। उसने कहा कि ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो हमें धोखा दे देते हैं। निकिता की बात सुनकर मोहित बिल्कुल खामोश था। निकिता ने कहा, सबसे पहले मुझे होश आया था, इसीलिए सबसे पहले मेरा इंटरोगेशन हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या उनकी इंटरोगेशन का सामना करना इतना ज्यादा आसान था? तुम नहीं समझोगे क्योंकि पहली बारी तुम्हारी नहीं आई थी ना, और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।
मैंने तुम लोगों को धोखा इसीलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें वही महसूस करवाना चाहती थी जो तुम लोगों ने मुझे महसूस करवाया था, और आखिर यह साबित हो ही गया कि तुम लोग मुझसे बेहतर नहीं हो। निकिता कभी खुद को बुरे हाल में नहीं देख सकती, इसीलिए उसके बुरे हाल होने पर जब किसी ने उसे इस चीज का लालच दिया कि वो उसे एक अच्छी जिंदगी देगा, तो निकिता उसके झांसे में फंस गई। जैद ने कहा, ये बताओ कि तुम हमेशा हर चीज सही क्यों करना चाहती हो? तुम कभी कभी जो हरकतें करती हो, मैं समझता हूं कि वो तुम्हारा मूड उस वक्त ऐसा है इसीलिए तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन अभी जो तुमने किया है, सही बताओ कि क्या ऐसा करने में तुम्हारा जरा भी इंटरेस्ट नहीं था? उस वक्त अचानक से सड़क पर कई सारे लोग आ गए और वो सबके सब काले रंग के कपड़े में थे। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो देखकर वो लोग थोड़े हैरान थे और वो लोग जाकर निकिता के पीछे खड़े हो गए। निकिता के घर वालों की तरफ से हायर किए गए अलग अलग टाइम ट्रैवलर्स भी वहां मौजूद थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर में दोनों साइड में वॉर स्टार्ट होगी। निकिता के घर वालों ने काफी सारे लोगों को हायर कर रखा था और वहीं दूसरी तरफ मोहित के तरफ से सिर्फ 3 लोग थे, निकिता के साथ 6 लोग थे। निकिता को अब जाकर थोड़ी सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। निकिता बोली, हां मैंने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था। तुम और अक्षय सिंह कोई भी मेरे काम के नहीं थे। तुम लोगों से मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग? मोहित और जैद के पीछे खड़े 3 टाइम ट्रैवलर्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। जैद ने घबराकर मोहित की तरफ देखा और मोहित गुस्से से निकिता को देख रहा था। यह देखकर निकिता के परिवार द्वारा हायर किया गया टाइम ट्रैवलर ग्रुप गुस्से में आ जाता है और वहां का मामला थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन अभी भी मोहित ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। निकिता गुस्से में बोली, देखो मोहित, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं, लेकिन तुम लोग मुझे फोर्स नहीं करोगे। मेरा मन होगा तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी। मोहित बोला, मुझे मालूम चल चुका है कि तुम एक नंबर की सेल्फिश इंसान हो। पहले तो तुमने हमें धोखा दिया और शायद अब तुम हमें मारने की कोशिश करने वाली हो, और तुम इसके लिए एक एक बहाने दे रही हो। बंद करो नाटक। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो सुन लो, अगर मुझे पहले होश आता तो मेरा इंटरोगेशन होता, तो मैं कभी भी कुछ उन्हें नहीं बताता। मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूं, मेरे लिए दोस्त मायने रखते हैं, समझी? और तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि पिछले 2 दिन से मैं जब भी सोता हूं, मुझे उन TIB के दोस्तों की याद आती है जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। हमारी वजह से उनकी जान चली गई। मुझे सपनों में नजर आता है कि वो लोग दरवाजा खोलकर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि हम जल्दी से बाहर चले जाएं ताकि हम सुरक्षित बच जाएं। मुझे तो डर है कि क्या कभी मुझे इस सपने से छुटकारा मिल पाएगा भी या नहीं। मैं पूरी जिंदगी इस पछतावे में रह जाऊंगा कि हमारी वजह से उन TIB के मेंबर्स की जान चली गई। निकिता ने कहा, तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि निकिता के लोग कुछ रिएक्ट करते, वहां पर कुछ और लोग आने की आवाज आने लगी। उनके पैरों की आवाज इधर आने की ही हो रही थी। कभी कभी वो बाईं तरफ से आ रही थी तो कभी कभी दाईं तरफ से। कभी कभी उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे से ही किसी की आने की आवाज आ रही है, और जब वो पीछे मुड़कर देख रहे थे तो पीछे कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एक शख्स नजर आता है, 31 साल की उम्र का आदमी वहां पर आता है और उस गर्मा गर्मी के माहौल को देखता है, फिर निकिता के करीब जाता है और बोलता है, तुम निकिता हो ना? तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। निकिता ने डर के पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने एक काले रंग का जैकेट पहना हुआ था, उसके गले में एक डिजिटल घड़ी लटकी हुई थी। उसने अपने लंबे बालों का पीछे बन बनाया हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और जब जब वो अपनी उंगलियां हिलाता तब तब कुछ आवाज आती। वो बोलता है, मैं कौन हूं? बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा है कि मैं कौन हूं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम आदित्य सिंह है। धीरे धीरे उस सड़क पर और भी लोगों की आने की आवाज आने लगी। सब लोग हैरान थे कि यहां चल क्या रहा है।
आदित्य ने निकिता से अकेले में चलने को कहा। निकिता की व्हीलचेयर लेकर आदित्य दूर चला गया। निकिता ने घबराते हुए बोला, तुम आदित्य सिंह हो, पर तुम सबके सामने बात क्यों नहीं कर सकते हो? हम अकेले में क्यों जा रहे हैं? आदित्य सिंह ने कहा, तुम्हारी आवाज में घबराहट देखकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत आम बात है, लेकिन तुम्हें इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं आदित्य सिंह हूं। मेरे बॉस ने मुझे यहां पर तुमसे एक सवाल पूछने को भेजा है। ये बताओ कि उस किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? सोचो इस बारे में और मुझे आज के आज इस सवाल का जवाब चाहिए। निकिता ने घबराते हुए कहा, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कौन था। आस्था आंटी के घर पर जब हम लोगों के साथ वो हादसा हुआ था, उस दिन अचानक से मुझे मेरे बैग में एक लेटर मिला था। उस लेटर में डेमो लिखा हुआ था और उसमें एक पैटर्न में एक स्टैम्प बना हुआ था जो मुझे कह रहा था कि वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। उस वक्त मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों ने मेरे बैग में वो लेटर कैसे डाला। आदित्य सिंह ने कहा, समझ रहा हूं, आखिर ये शक्तिपुंज 017 है। निकिता ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम यहां पर बस इसलिए आए थे? क्या तुम्हें और भी कुछ काम है? आदित्य सिंह ने कहा, मैं तुम्हें यह बात बताना भूल ही गया कि मैं यहां तुम्हारी जान लेने आया था। क्या अक्षय ईशान के हाथों की कठपुतली बनकर रहेगा? क्या निकिता और मोहित फिर से दोस्त बन पाएंगे? आखिर आदित्य सिंह निकिता के पास क्यों आया है? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से।